हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग साडिक पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे साडिक की एक्सरसाइज है 4.2। इसमें हम साडकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके साडकों के मान हम ज्ञात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि साडकों के प्रसार करते करते हम थोड़ी सी समस्या में फंस जाते हैं, तो उस समस्या को कम करने के लिए हम सबसे पहले इन साडकों के गुणधर्मों का प्रयोग कर लेते हैं और फिर इसके बाद में बहुत आसान तरीके से सवाल को हल करके, मतलब साडिक का प्रसार करके उसका हम मान ज्ञात कर लेंगे, बहुत आसान तरीके। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक हमारी ट्रिक्स हैं जिनको हम अप्लाई करके साडिक के मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, वो कौन कौन से गुणधर्म हैं, सबसे पहले देखो आपको समझना है प्रॉपर्टी नंबर एक। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे हम ये माने कि हमारे पास कोई साडिक है। देखो, साडिक को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, साडिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हमारे लिखने का तरीका है। तो यहां पर अगर हम कोई साडिक इस प्रकार से लिख लें कि ये दो समांतर रेखाएं खींच दें और इसके अवयव हम यहां पर लिख दें a1 a2 a3, और ये है b1 b2 b3, और यहां लिख दें c1 c2 c3। ये आपके तीन कोट का आपका एक कोई साडिक है। और इसका अगर हम ध्यान दें, अगर हम इसको पंक्तियां जो हैं वो स्तंभों में, और स्तंभों को अगर पंक्तियों में बदल दें, तो साडिक के मान पर कोई अंतर नहीं आता। अगर हमें कहीं आवश्यकता हो तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि यहां पर अगर हम देखो ध्यान दें, ये साडिक कोई दिया गया साडिक है, और अगर हम ये माने कि इसका कोई डैश लगा के एक दूसरा साडिक इस प्रकार से बना दें कि इसकी इस पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में आपस में एक्सचेंज कर दें, तो ये साडिक हमारा ए डैश हो जाएगा। इस प्रकार से देखो ध्यान दें, इस पंक्त को इस स्तंभ पर लिख दें, मतलब a1 a2 a3, इस दूसरी वाली पंक्त को दूसरे स्तंभ पर लिख दें, यहां पर b1 b2 b3, और यहां पर हम तीसरी वाली रो को तीसरे कॉलम पर लिख दें c1 c2 c3। तो इस प्रकार से हमें कोई एक नया साडिक मिल जाएगा, और प्रसार करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी, जस्ट इसकी भी वैल्यू वही वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब हम सीधा ऐसे कह सकते हैं कि जो डेल्टा डैश है वो डेल्टा के बराबर आएगा, मतलब पुराना वाला साडिक नए वाले साडिक के मान के बराबर आता है, यदि हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आपस में एक्सचेंज कर दें, तो साडिक के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। जो पुराना साडिक का मान आएगा वही एक्सचेंज करने पर, मतलब पंक्तियों को कॉलमों में, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने के बाद जो साडिक होगा उसका मान वही होगा जो दिया गया साडिक का मान होगा। ठीक है, इसके बाद देखो प्रॉपर्टी नंबर दूसरी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई डिटरमिनेंट यहां पर हम इस प्रकार से लिख लें, इसी यही अभी आप लिख लेते हैं, हम पहले इसको पहली रो पे लिख लें a1 a2 a3, और दूसरी रो के अवयव हैं हमारे पास b1 b2 b3, और तीसरी रो के अवयव हैं c1 c2 c3। ठीक, अब देखो ध्यान दें, जो दूसरी प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है, वो प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से आपको समझनी है कि अगर r1 और r2 आपस में एक्सचेंज कर दें, मतलब एक रो को दूसरी रो पर और दूसरी रो को पहली रो पर अगर एक्सचेंज कर दें, या दूसरी रो को तीसरी रो पर और तीसरी रो को पहली दूसरी रो पर, मतलब दूसरी को तीसरी से बदल दें या पहली को दूसरी से बदल दें, अगर इन रो को आपस में एक्सचेंज कर दें अथवा कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दें, तो साडिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे पहली वाली रो है वो दूसरी रो पर लिख दें, दूसरी वाली पहली पर लिख दें, या दूसरी रो तीसरी रो पे लिख दें, तीसरी वाली पहली पे लिख दें, या पहली तीसरी और तीसरी पहली को एक्सचेंज कर दें, तो साडिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा, केवल और केवल उसका साइन बदल जाएगा। देखो ऐसा केवल रो को एक्सचेंज करने पर नहीं, बल्कि कॉलम को एक्सचेंज करने पर भी ऐसा ही होता है। पहले कॉलम को दूसरे कॉलम पर और दूसरे कॉलम को पहले कॉलम पर अगर बदल दें, या दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम पर, तीसरे कॉलम को पहले दूसरे कॉलम पर बदल दें, मतलब कॉलमों को आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो, तो साडिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा, केवल उसका निशान बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। जैसे हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास कोई दिया गया साडिक है,
और अगर हम R1 और R2 को एक्सचेंज कर दें तो एक नया सारणिक मिलेगा, वो हम डेल्टा डैश से प्रदर्शित कर दें। अब देखिए ये आपका जो पहली रो है दूसरी रो पर लिख दें, दूसरी रो है वो पहले पे लिख दें, तो ये B1, B2, B3 ये पहली पे लिख दें, और ये वाली A1, A2, A3 ये हम दूसरी पे लिख दें, और तीसरा आपका ये C1, C2, C3 लिखा है जो ये बात है। तो अब आपके पास देखो पहला दिया गया सारणिक ये है, अगर हमने रो को आपस में एक्सचेंज कर दिया तो ये सारणिक बन गया। अगर हम इसका प्रसार करके इसकी वैल्यू निकालें और मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू 10 है, कितनी है 10, तो इसकी वैल्यू फिर हमें -10 प्राप्त होगी, ये पक्का है। ठीक है, मतलब संख्यात्मक मान उसका वही होगा, केवल उसका निशान बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा डैश बराबर माइनस डेल्टा के बराबर होगा। ठीक, कब? तब जबकि किन्हीं दो रो को आपस में एक्सचेंज कर दें या किन्हीं दो कॉलमों को आपस में एक्सचेंज कर दें तो सारणिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा, केवल उसका साइन बदल जाएगा, मतलब उसका केवल निशान बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी नंबर दूसरी है। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर तीसरी क्या है, देखो नोट करते जाओ भाई, प्रॉपर्टी नंबर तीसरी क्या है, देखो ध्यान दें तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी इस प्रकार से समझनी है आपको कि अगर कोई एक सारणिक इस प्रकार से दिया जाए कि उसकी कोई दो रो आपस में बराबर हो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उस सारणिक का मान जीरो होता है। जैसे हम ये लिख दें, यहां लिख दें अगर 1, 2, 3 और यहां भी लिख दें 1, 2, 3, यहां लिख दें 4, 5, 6। अब देखिए यहां पर आपको ऐसा दिख रहा है कि ये दो रो आपस में बराबर बराबर है, तो अगर दो रो आपस में बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि दो कॉलम भी आपस में बराबर हो तो इस सारणिक का मान जीरो हो जाएगा। कोई दो रो आपस में बराबर हो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो तो सारणिक का मान कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये तीसरी प्रॉपर्टी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर जब होते हैं तो सारणिक का मान कितना होता है, जीरो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर तीन है। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी देखो क्या है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जैसे कोई हमें सारणिक इस प्रकार से दिया जाए ये, और इस सारणिक का अगर कोई एक रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो तो अभी सारणिक का मान जीरो होता है। जैसे अगर हम माने कि पहली वाली रो पर हमारा ये 0, 0, 0 लिखा है और इसके बाद ये 1, 2, 3 यहां पर 4, 5, 6 लिख दें तो इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर R1 के सभी अवयव शून्य हैं। अगर C1 के सभी अवयव शून्य हो तो भी सारणिक का मान जीरो होगा, C2 के सभी अवयव शून्य हो तो भी सारणिक का मान जीरो होगा, C3 के सभी अवयव शून्य हो तो भी सारणिक का मान जीरो होगा। इसी प्रकार ये R1 का सभी अवयव तो जीरो दिखाई रहे हैं यहाँ, इसी प्रकार अगर R2 के अवयव सभी अवयव शून्य हो तो अभी सारणिक का मान जीरो होगा, और R3 के सभी अवयव यदि शून्य हो तो अभी सारणिक का मान जीरो होगा। मतलब सीधी बात है कि किसी एक पंक्ति के सभी अवयव या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों का मान यदि शून्य है तो सारणिक का मान शून्य हो जाए। ठीक है, इसका भी आपको यूज करना है, बहुत ज्यादा प्रश्नों में इसका भी यूज करेंगे हम। ठीक है, चलिए चार प्रॉपर्टी के बाद हम पांचवी प्रॉपर्टी आपको बताएं कि पांचवी प्रॉपर्टी क्या है। देखो पांचवी प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि कोई एक सारणिक है आपके पास और ये सारणिक इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसके अवयव हैं A1, A2, A3 और ये है B1, B2, B3 और ये है C1, C2, C3। ये कोई सारणिक है। अगर किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए, किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में किसी एक अचर से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान उतना ही गुणा हो जाता है। जैसे किसी अचर K का गुणा अगर हम यहाँ पर R1 में कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा KA1, KA2, KA3 और ये है आपके पास B1, B2, B3 और ये C1, C2, C3। तो ये सारणिक जो बन के तैयार हुआ है वो आपका K ∗ डेल्टा के बराबर हो जाएगा। मतलब ये सारणिक जो इसकी वैल्यू है इसका K गुना हो जाता है अगर किसी सारणिक की
किसी भी पंक्ति में गुणांक कर दिया जाए या किसी भी स्तंभ में किसी अचर का गुणांक कर दिया जाए, ठीक है, तो वो सारणिक उतने ही अचर के गुणे के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो एक और प्रॉपर्टी है, ये है आपके पास पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखो छठवीं, देखो प्रॉपर्टी क्या है, छठवीं प्रॉपर्टी आपको समझनी है। देखो अगर कोई सारणिक दिया जाए, ये है आपके पास एक सारणिक, और इस सारणिक में अवयव दिए हैं A1, A2, A3 और ये है B1, B2, B3 और ये है C1, C2, C3। अब देखो यहां पर पहली पंक्ति अथवा दूसरी पंक्ति अथवा तीसरी पंक्ति में किसी अचर को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे हम ये माने कि पहली पंक्ति में यहां λ1, यहां पर प्लस λ2 और यहां पर प्लस λ3, यहां पर देखो पहली वाली पंक्ति में किसी अचर को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से जोड़ दें तो ये सारणिक दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है और उसका क्रम वही होगा जो इस सारणिक का है। मतलब ऐसे देखो ध्यान दें, इस प्रकार लिखा जा सकता है कि A1 A2 A3 और यहां लिख दें B1 B2 B3 और यहां लिख दें C1 C2 C3 और प्लस का निशान लगाएं और फिर इसके बाद यहां लिखेंगे λ1 B1 C1 और यहां लिखेंगे λ2 B2 C2 और यहां लिखेंगे λ3 B3 C3। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर छठवीं। और एक अंतिम प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करने वाली है, देखो इसको हम आप रब कर देते हैं, अंतिम प्रॉपर्टी को समझ लें, इसको रब कर दें। अंतिम प्रॉपर्टी क्या है उसको भी देखो ध्यान से समझें, पूरा रब कर देते हैं, ठीक है। अंतिम प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई एक सारणिक है इस प्रकार से, देखो मान लेते हैं कि एक सारणिक है हमारे पास, अभी अब है A1 A2 A3 और ये हमारे पास B1 B2 B3 और ये तीसरी पंक्ति पर C1 C2 C3 लिखा हुआ है, ठीक। इस सारणिक को हल करने के लिए अगर हमें जरूरत पड़े तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि R1 को रिप्लेस करके और R1 में R2 जोड़ सकते हैं, या किसी अचर राशि को गुणा करने के बाद हम R2 जोड़ सकते हैं, तो सारणिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। अगर हम इस प्रकार कर दें कि इस R1 में और इस R2 से लैम्डा से गुणा कर दें, ये R2 है इसमें लैम्डा से गुणा करके R1 के साथ इसको जोड़ के लिख दें, तो सारणिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। अगर हमें हल करने के लिए ऐसी आवश्यकता हो तो हम लिख सकते हैं, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखा, ऐसा भी ऑपरेशन हम कर दें कि अगर हम C1 पर लिख दें और C1 प्लस लैम्डा C2 लिख दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये C1 को रिप्लेस कर दें C1 प्लस लैम्डा C2, इसमें लैम्डा का गुणा करके C1 में जोड़ दें और यहां पर C1 के स्थान पर लिख दें, तो सारणिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अगर हम इसको यहां पर लिख के दिखाएं आपको, देखो अगर ये पहले इसको देख लें, अगर इसको यहां पर लिख के दिखाएं तो कैसे लिखोगे भाई, ये R1 है, ये R2 है, इसमें लैम्डा का गुणा करके यहां जोड़ दें तो A1 प्लस लैम्डा B1 हो जाएगा। अगर ये है A2, इसमें हम लैम्डा का गुणा कर दें और B2, ये देखो लैम्डा B2, और इसी प्रकार ये A3 में प्लस कर दें लैम्डा B3। ये देखो क्या किया हमने, R1 प्लस लैम्डा R2, मतलब इसमें हमने लैम्डा का गुणा किया और R1 के साथ जोड़ के R1 पर लिख दिया, ठीक है। और ये B1 B2 B3 और C1 C2 C3 इस प्रकार ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। तो यहां पर हमने अगर जरूरत कहीं पड़ती है इस प्रकार से कि किसी भी पंक्ति को या किसी भी स्तंभ को इस प्रकार अदल बदल करके लिख सकें इसको हल करने के लिए, तो यहां पर हम इसके हल करने के लिए अगर इस प्रकार से कर देते हैं तो इसके मान पर कोई अंतर नहीं आता है। मतलब ये जो मान है वो बिल्कुल वही आएगा, जो इसका मान है वही इसका मान आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये यहां पर 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी तरीके से समझ लो और सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हल होने वाले, ठीक है। यहां से बोर्ड एग्जाम में जरूर एक प्रश्न आता है, बिल्कुल एकदम 100% आएगा। तो आज अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के सारे प्रश्न,
पहले हम इन प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सड़क के प्रसार करके उसका हम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है भाई, एक्सरसाइज का पहला प्रश्न क्या है, यह है एक्सरसाइज 4.2 का पहला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है बिना प्रसरण किए सड़कों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध करके दिखाना है। 1 से 5 तक हमें प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसार किए हमें केवल गुणधर्मों का प्रयोग करके इसको सिद्ध करके दिखाना है। देखो ध्यान दें पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न है आपके पास ये सड़क दिया गया है, ये है एक्स ए और एक्स प्लस ए, ये दूसरी रो पर है वाई और ये है बी वाई प्लस बी, और तीसरी रो पर हमें दिया गया है जेड सी और जेड प्लस सी। इसको हमें 0 के बराबर प्रूव करके दिखाना है कि इसका मान 0 होता है। और साथ ही साथ एक और शर्त दी गई है प्रश्न में कि यहां पर हम केवल गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे और इसका प्रसार नहीं करना है, प्रसार करके 0 हमें प्रूफ नहीं करना है, बल्कि गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें ऐसा दिखाना है कि सड़क का मान 0 होता है। चलिए देखो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा के बराबर लिख दें और इसको इस प्रकार से देखो ये दिया गया है एक्स ए एक्स प्लस ए, यहां दिया गया है बाई बी और ये दिया गया है बाई प्लस बी, और इसके बाद ये है जेड सी जेड प्लस सी, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी भी दो रो को आपस में या दो कॉलमों को आपस में जोड़ दें तो सड़क के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देखो ध्यान दें कि C1 जो है, C1 ये कॉलम है ना, इस कॉलम पर लिखना चाह रहे हम, C1 को रिप्लेस करना चाह रहे और C1 के साथ में C1 को और C2 को जोड़ के लिखना चाह रहे। तो देखो यहां पर इस प्रकार से देखो ये C1 है ये C2 है, इसको और इसको दोनों को जोड़ के हमें यहां पर लिखना है, मतलब इसको इसको जोड़ दें एक्स प्लस ए हो जाएगा, यहां बाई को बी से जोड़ेंगे बाई प्लस बी लिखना है, जेड को सी से जोड़ेंगे जेड प्लस सी लिखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखो क्या किया है, C1 को रिप्लेस कर दिया है, C1 और C2 को जोड़ के यहां लिख दिया है और बाद बाकी ये आपका C2 ज्यों का त्यों ए बी सी और ये C3 ज्यों का त्यों एक्स प्लस ए बाई प्लस बी और जेड प्लस सी आपको ज्यों का त्यों रखना है। अब देखिए बच्चों अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि किसी भी दो स्तंभों के या किसी भी दो पंक्तियों के यदि सभी अवयव समान होते हैं तो सड़क का मान 0 हो जाता है। तो यहां पर देखिए ये आपका देखो ये पहला वाला C1 है, इसको C3 कहेंगे, C1 और C3 बिल्कुल जस्ट बराबर हैं, तो इसका मतलब इसका मान तो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, यहां रीजन लिख दें, चूंकि C1 और C2 बराबर बराबर है, C1 और C2 बराबर है, इसलिए सड़क का मान कितना है 0। ठीक है, देखो ये एक्स प्लस ए बाई प्लस बी जेड प्लस सी, यहां भी वही है ना, तो C1 और C3 आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सड़क का मान कितना है 0। ठीक है, प्रॉपर्टीज का यूज किया है और प्रश्न में ऐसा कहा भी गया है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, इसका हमें प्रसार नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है ये सड़क है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और ये आपके पास है बी माइनस सी सी माइनस ए और ये है ए माइनस बी, फिर इसके बाद सी माइनस ए ये ए माइनस बी और ये है आपके पास बी माइनस सी, इसको भी हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। क्या करना है, 0 के बराबर प्रूव करना है। देखो हमने आपको बताया कि इसको देखो डेल्टा के बराबर लिख लिया करो, है ना, अभी हमने आपको बताया कि अगर हम इस प्रकार से लिख दें कि R1 पर लिखें और R1 के साथ R2 और R3 तीनों को जोड़ के लिख दें तो सड़क के मान पर कोई अंतर नहीं। हमने बताया किसी भी पंक्तियों को आपस में जोड़ दें, स्तंभों को आपस में जोड़ दें, सड़क के मान पर कोई अंतर नहीं आता है।
तो यहां R1 पर अगर हम इस R1 को रिप्लेस करना चाहें, कैसे रिप्लेस करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब इस R1 और इस R2 और इस R3 तीनों को जोड़ के हम यहां पर लिख दें, R1 पर लिख दें। तो देखो इसको 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 तीनों को जोड़ो यहां लिखो, इसको इसको तीनों को जोड़ो यहां लिखो, यहां यहां तीनों को जोड़ के यहां लिख दें। तो देखो यहां जोड़ के देखो भैया क्या जोड़ोगे, अगर a और माइनस a कैंसिल, b माइनस का प्लस का b कैंसिल, c माइनस का प्लस का c ये कैंसिल, तो जोड़ोगे तो यहां पर जीरो मिल जाए, बिल्कुल ठीक। यहां भी देखो तीनों को जोड़ के यहां लिखना है, तो देखो ये माइनस का b, ये प्लस का b, ये देखो b माइनस b खत्म, c माइनस का प्लस का c खत्म, माइनस का a प्लस का a ये भी आपका जीरो हो जाएगा, देखो भाई ठीक है। इसी प्रकार देखो इसका इसका तीनों का जोड़ करके यहां लिखना है, माइनस का a प्लस का a खत्म, माइनस का बी प्लस का बी खत्म, सी प्लस का माइनस का सी ये भी देखो जीरो हो गए, ठीक है। तो यहां पर जोड़ने के बाद इसके सारे अवयव देखो जीरो हो गए, R1 के सारे अवयव शून्य हो गए। अब R2 तो ज्यों का त्यों लिखना है, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, R3 भी ज्यों का त्यों लिखना है, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखो बताओ भाई इसका मान क्या जीरो हो गया, हाँ हो गया, क्यों हो गया, इसलिए हो गया चूंकि R1 का के सभी अवयव आपके शून्य। हमने आपको बताया कि किसी भी सारणी के किसी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होते हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। तो यहां आप देख सकते हो R1 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए सारणी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज का ही प्रयोग करना है, हमें प्रसार करके जीरो सिद्ध नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट होता है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है भैया, इसको हम रब कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करते जाएं, अच्छे से बढ़िया से नोट करते रहो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, चलो इसको भी रब कर देते। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि ये सारणिक दिया गया है, देखो 2 और ये 7 और ये है 65 और इसके बाद ये है 3875, 3875 और यहां दिया गया है 5 फिर 9 और ये आपका 86 और इस सारणिक का भी मान 0 के बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है और गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए देखो कैसे करोगे, समझो बात ध्यान, ऐसा कुछ कर दें। देखो हमने बताया कि अगर सारणिक का मान 0 हमें सिद्ध करना है तो हमारे पास केवल और केवल दो प्रॉपर्टीज है, वो कौन सी, केवल हमने आपको यह बताया कि अगर किसी दो पंक्तियों को आपस में बराबर कर दें या किसी दो स्तंभों को आपस में बराबर कर दें तो सारणिक का मान शून्य होता है। या हमने एक बात और बताई है, और एक दूसरी बात क्या बताई, दूसरी ये बताई कि प्रत्येक एलिमेंट किसी भी पंक्ति का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो या किसी भी एक स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो तो अभी सारणिक का मान जीरो होता है। तो यहां पर इसमें से कोई एक प्रॉपर्टी हमें यहां पर जरूर फिट हो जाएगी, तभी ये सारणिक का मान जीरो होगा। देखिए समझते हैं, तो यहां देखिए इसको इस प्रकार से लिख लें, यहां देखिए यहां ये है आपका C1 और इसके साथ में जोड़ दें C2 में 9 का गुणा करके जोड़ दें, ये C1 है और ये C2 है, इसमें 9 का गुणा करें, देखो ये आपका 2 है और इसमें अगर हम प्लस कर दें 9 × 7, मतलब यहां पर हम 9 का गुणा 7 में कर दें और 2 को 7 में जोड़ दें, तो देखो 7 × 63 और 63 में 2 जोड़ दें तो यहां पर हमें कितना मिलेगा, 65 मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यही काम यहां करना है, 3 ये लिखा हुआ है और इसके साथ में 8 के साथ में 7 का सॉरी 9 का गुणा कर दें, कितना कर दें, 9 × 8 कर दें, 9 × 72 और 3 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, ये 75 मिल जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां देखो ये है आपका 5 और इसमें जोड़ दें कितना, 9 × 9, 9 × 81 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखो क्या काम किया, C1 को रिप्लेस किया है, कहां C1 को हमने रिप्लेस किया है C1 प्लस 9C2 से, C1 पर लिख दिया और ये आपका C2 ज्यों का त्यों, मतलब 7 8 9 ये ज्यों का त्यों और ये आपका 65 और ये 75 और ये आपका 86 भी ज्यों का त्यों, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये C1 है और ये C3 है, C1 और C3 बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर हैं, इसलिए सारणिक का मान कितना लिखोगे, जीरो लिखोगे, ठीक है।
यहां पर गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है और यहां पर इसका आंसर हमें जीरो के बराबर प्रूव करना है, ठीक है, प्रसार नहीं करना है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये देखो C1 और ये C3 को बराबर बराबर कर दिया। कैसे किया है फिर एक बार समझ ले, ये C1 है और ये आपका C2 है, इसमें हमने 9 का गुणा किया और ये आपका, जैसे हमने 9 का गुणा किया तो 9 + 7 = 63 और 63 में 2 जोड़ दें 65 हो जाएगा, यहां लिख दिया। इसी प्रकार देखो 9 का यहां गुणा किया, 9 + 8 = 72 में 3 जोड़ दो यहां 75 लिख दें, 9 का गुणा यहां किया 9 * 81 में 5 जोड़ दें 86 हो जाएगा, ठीक है, और ये ज्यों का त्यों और ये भी आपका ज्यों का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने C1 और C3 बराबर बराबर मिल रहा है, इसलिए साढ़े का मान कितना है, जीरो के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा भैया, किसी को कोई डाउट तो नहीं, लाइक कर दो एक बार वीडियो को भैया, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भैया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखिए इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, चौथा प्रश्न क्या है, देखिए लिखा है आपके पास यहां पर दिया गया है 111, पहले वाले कॉलम पर 111 है और दूसरे वाले कॉलम पर लिखा है बी सी सी ए ए बी और तीसरे कॉलम पर लिखा हुआ है ए बी प्लस सी, फिर इसके बाद है बी सी प्लस ए और इसके बाद में यहां पर लिखा है सी ए प्लस बी और ये आपका सारणिक है। इसका भी मान देखो जीरो के बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रसार करना नहीं है, सारणिकों के गुणधर्म से करना है। चलिए यहां पर देखो डेल्टा बराबर लिख लेते हैं, यहां पर ये आपके पास है 111 ज्यों का त्यों और ये आपका है बी सी, ये है सी ए, ये है ए बी, ये भी ज्यों का त्यों। इसके बाद देखो अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी, यहां इसको लिख सकते हो बी सी प्लस ए बी और यहां इसको लिख सकते हो सी ए प्लस बी सी, बताओ भाई कोई डाउट। इसके बाद देखो एक काम और कर दें कि अगर हम इसको इसके साथ जोड़ दें, मतलब हम ऐसे कर दें कि C2 को रिप्लेस कर दें C2 प्लस C3 से, ये C2 है ये C3 है, दोनों को जोड़ दें और यहां पर लिख दें। देखो C1 पर आप ज्यों का त्यों 111 इसको ज्यों का त्यों लिखें और इन दोनों को जोड़ के यहां लिखना है। देखो बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, बी सी में क्या जोड़ोगे ए बी प्लस ए सी, तो आपको यहां पर मिल जाएगा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। यहां देखो इसको इससे जोड़ो तो ये मिल जाएगा आपको कितना सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी और इसी प्रकार इसको इससे जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका ज्यों का त्यों ये जो लिखा हुआ है कितना ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी और ये है आपका सी ए प्लस बी सी, ये ज्यों का, ठीक है। अब आप देख सकते हो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां भी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और यहां भी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो सी टू C2 से आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको देखो इतना कॉमन मिल रहा है कहां से, C2 से। अगर आपको यहां ना दिख रहा हो तो यहां से देखो हम रब कर देते हैं और यहां पर आ जाते हैं ऊपर, यहां पर आ जाते हैं, देखो हम यहां लिख भी सकते हैं C2 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेने पर, क्या लिख दें कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, तो यहां पर अगर हम कॉमन लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस ये हमें देखो इतना कॉमन मिल जाएगा। अब क्या बचेगा, ये देखो 111 ये तो आपका जो कहते हुए 111, इसके बाद यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन चला गया, यहां से भी चला गया, यहां से भी चला गया, तो यहां भी आपको देखो 1111 मिलेगा और ये आपका ज्यों का त्यों ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी ए बी प्लस ए सी और ये है बी सी प्लस ए बी बी सी प्लस ए बी और ये आपका है सी ए प्लस सी ए प्लस बी सी। अब बहुत आसान से आप समझ सकते हो कि यहां पर देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये तो ठीक लिखा है लेकिन इस सारणिक का मान जीरो है, बताओ भाई क्यों जीरो है। यहां पर इसलिए जीरो है चूंकि C1 और C2 दोनों
कॉलम आपके बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर है। तो जब दो कॉलम बराबर होते हैं या दो रो बराबर होते हैं तो साढ़े का मान शून्य होता है। तो यहां पर आपको शून्य लिखना है, और फिर शून्य का अगर पूरे इसमें किसी भी अचर में या किसी भी चर राशि में अचर राशि में शून्य का गुणा करते हैं तो वो तो शून्य हो जाती है। तो ये इसका आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो इस तरीके से देखो, ये RHS में जो हमें जीरो प्रूव करना था वो मिल गया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, भाई नोट करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको रब कर दें, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो लिखा हुआ है, ये आपके पास सार्डिक दिया गया है बी प्लस सी, और ये आपके पास C प्लस ए, और ये दिया गया है A प्लस बी, और दूसरे वाले कॉलम पर है Q प्लस आर, और ये है R प्लस पी, और ये है आपका P प्लस क्यू, और इसके बाद ये है Y प्लस जेड, Y प्लस जेड, और ये आपका Z प्लस एक्स, और इसके बाद ये लास्ट में X प्लस वाई दिया गया है, और ये बराबर में हमें प्रूव करके दिखाना है 2। ये लिखा हुआ है ए बी सी, ए बी सी, और ये है आपके पास पी क्यू आर, पी पी क्यू आर, और ये आपको दिया गया है कितना, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। ठीक, इतना हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए देखते हैं। हमने बताया कि भैया हमें गुणधर्मों का प्रयोग करना है, हमें गुणधर्मों का प्रयोग करके इसके बराबर हमें दिखाना है। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान दो, इसको सबसे पहले हम डेल्टा के बराबर लिख लें। ध्यान दें कि अगर हम इसको इनको 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 तीनों रो आपस में जोड़ के R1 पर लिख दें तो निश्चित रूप से हमें देखो 2A मिल जाएगा, 2C मिल जाएगा और 2B मिल जाएगा। मतलब हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि R1 को रिप्लेस कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तीनों रो आपस में जोड़ के R1 पर लिख दें। तो चलो यहां पर देखो ध्यान दें, अगर ये तीनों रो जोड़ दें तो को ए ए टू ए हो जाएगा, इसी प्रकार टू बी हो जाएगा, इसी प्रकार टू सी हो जाएगा, टू कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखो इनको इनको तीनों को जोड़ के लिखें, टू पी हो जाएगा, टू क्यू हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, टू कॉमन मिल जाएगा तो पी प्लस क्यू प्लस आर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो इनको तीनों को जोड़ेंगे तो दो एक्स हो जाएगा, दो वाई हो जाएगा, दो जेड हो जाएगा, तो दो कॉमन मिल जाएगा, दो कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां मिलेगा। बोलो भाई इतना ठीक है। और फिर इसके बाद में ये देखो ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, मतलब ये आपका सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ये ज्यों का त्यों, और इसी प्रकार ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और x प्लस वाई, ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है भाई, इसके बाद आप देख सकते हो कि पहली वाली जो रो है उसमें से दो सबसे कॉमन है, सब में से दो कॉमन लें, तो यहां से हम दो कॉमन लें, R1 में से हम दो कॉमन लें तो हमें कुछ जो अवयव मिलेंगे वो अब a प्लस बी प्लस सी तो यहां मिल जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर यहां मिल जाएगा, और ये x प्लस वाई प्लस जेड यहां मिलेगा। सब कुछ ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा हमें, सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स ज्यों का त्यों, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, चलो यहां से देखो बहुत ध्यान से समझना है आपको, चलो यहीं पे एक स्टेप और यहां पर कर देते हैं, इसके बाद करें। देखो ध्यान दें, यहां पर हम अगर यहां पर देखो तो सी ले आना है, और ये आपका है आर थ्री और ये है आपका आर वन, अगर आर थ्री से आर वन को घटा दिया जाए तो आपको यहां पर माइनस सी मिल जाएगा, माइनस बाद में कॉमन ले लेंगे, तो इस प्रकार यहां लिख दें। देखो ध्यान दें, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आपको पहली वाली रो तो ज्यों की त्यों रखनी, इसमें हम नहीं बदल रहे, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहां लिख दें पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहां लिख दें x प्लस वाई प्लस जेड, देखो ये तो ज्यों का त्यों है। और फिर इसके बाद में अगर हम यहां पर R2 को रिप्लेस कर दें R2 माइनस R1 से, और R3 को भी रिप्लेस कर दें
आर थ्री माइनस आर वन से, तो देखो क्या मिल रहा है। देखो ध्यान दें, आर वन को तो हमने कुछ बदला नहीं, हमें क्या करना है आर टू इसको बदलना है और इसमें से इस आर वन को घटा देना है। सी प्लस ए है, अगर इसमें से ये घटाया जाएगा तो सी प्लस ए और ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा तो केवल यहां पर माइनस का बी बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का बी बचेगा। इसी प्रकार देखो आर प्लस पी और ये आपका आर और पी वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हमें माइनस का क्यू मिल जाएगा। इसी प्रकार देखो जेड प्लस एक्स और ये माइनस का ये और ये भी माइनस का, मतलब एक्स और जेड कट जाएगा तो माइनस का वाई हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देखो तीसरी वाली रो पर। तीसरी वाली रो पर क्या करेंगे, इसमें भी देखो आर थ्री में से आर वन घटाना है, ए प्लस बी में से घटाना है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, मतलब ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सी मिलेगा। इसी प्रकार देखो यहां से p प्लस क्यू में से घटाना है p प्लस क्यू माइनस आर, तो p प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर बचेगा। और इसी प्रकार x प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का z बचेगा। ठीक है भैया, आगे और आगे आते हो देखो यहां पर आ। अब क्या करना है, अब आपको अगर देखो तो ध्यान दें तो आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा होगा कि ये q b है, ये q है, ये y है, देखो b q y और इसी प्रकार c r z और ये सी आर जेड, तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों रो से हम माइनस कॉमन लें, तो इससे माइनस कॉमन लें, इससे माइनस कॉमन लें, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहां लिख दें आर टू व आर थ्री से माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कॉमन लें तो अब हमारे पास ये क्या बचेगा, देखो दो तो आपके पास पहले से लिखा हुआ है और ये आपके पास है a प्लस बी प्लस सी और ये आपके पास है p प्लस q प्लस r और ये आपके पास है x प्लस y प्लस z। ठीक है, माइनस यहां से कॉमन लिया तो माइनस सम खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा b q और ये y और इसी प्रकार माइनस यहां से चला जाएगा तो c r z बचेगा। ठीक है भाई, इतना ठीक है, इससे हमने माइनस कॉमन लिया, इससे माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये प्लस अपने आप हो जाएगा। अब हमें आगे थोड़ा सा और काम करना है, बस समझो हम आंसर के निकट पहुंचते जा रहे हैं। देखो ध्यान दें, ये है b और ये है c, यहां पर हमें a रखना है तो b प्लस c इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें से घटा दिया जाए तो a बचेगा पक्का। देखो ध्यान दें, अगर हम इस आर वन को रिप्लेस कर दें आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री इस प्रकार से, देखो इन दोनों को जोड़ दें और आर वन में से घटा दें। देखो ध्यान दें, ए प्लस बी प्लस सी में से घटाएंगे कितना, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी और ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब देखो एक बार फिर समझ लो भैया, ए प्लस बी प्लस सी ये है आपका आर वन और इसमें से हमें क्या घटाना है, इन दोनों को जोड़ के घटाना है, बी प्लस सी को जोड़ के घटाना है। तो यहां से अगर हम जैसे ब्रैकेट खत्म करेंगे ये भी माइनस का हो जाएगा तो बी और सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए केवल बचेगा, यहां हम ए लिख। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार को ध्यान दें, इन दोनों को जोड़ के पी प्लस क्यू प्लस आर में से घटाएंगे तो क्यू और आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें पी मिलेगा। इसी प्रकार देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से वाई प्लस जेड घटाओगे तो वाई जेड दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। फिर बाकी बी क्यू वाई और सी आर जेड ज्यों का त्यों रखना है। अब देखिए ये देखो हमारा सीधा आर एच एस आ रहा है, यही तो हमें प्रूव करना था, हमने कहीं भी देखो प्रसार तो किया नहीं, बिना प्रसार किए हुए प्रगुणों का गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए हमें इसको प्रूव करना था, हो गया ना प्रूव, तो ये हमारे आर एच एस के बराबर, मतलब ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो यहां प्रूव्ड लिख दें, आर एच एस लिख दें, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर बात भैया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, देखो भैया नोट कर लो, इसको नोट करते जाओ, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। यहां पर आप देखो वो प्रतिबंध खत्म हो गया कि हमें साधकों के गुणधर्म का तो प्रयोग करना है, लेकिन प्रसार वाला प्रतिबंध खत्म हो गया। अभी यहां पर प्रसार के लिए प्रतिबंध लगा हुआ था कि प्रसार आपको नहीं करना है, बिना प्रसार किए केवल गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना था। तो
अब यहां पर देखो गुणधर्मों का भी प्रयोग करना है और प्रसार भी आप कर सकते हो। चलिए हम देखो अब आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास छठवां। देखो छठवां प्रश्न क्या कहता है, छठवां प्रश्न कह रहा है कि आपके पास ये दिया गया है देखो जीरो और ये है ए और ये दिया गया है माइनस का बी और फिर है ये आपके पास माइनस ए जीरो माइनस में सी और ये है बी और ये सी और ये जीरो और इसका आंसर हमें जीरो के बराबर प्रूव करके देखना। ठीक है, तो को चाहो तो आप सीधा सीधा इसका सीधा प्रसार कर दो तो अभी आंसर जीरो आ जाएगा, लेकिन कुछ गुणधर्मों का प्रयोग भी कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, यहां पर सबसे पहले हम इसको डेल्टा के बराबर लिख लें, लिखा है जीरो ए माइनस बी, फिर लिखा है माइनस ए जीरो माइनस सी, फिर लिखा है बी सी और ये आपका जीरो। देखो एक काम करना, एक हमने आपको प्रगुण जो बताया कि किसी भी सारणिक की जो पंक्तियां हैं उनको अगर स्तंभों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा, तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पर लगाए के आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो ये आपकी जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बना दे जीरो ए माइनस बी, दूसरी जो पंक्ति है दूसरा स्तंभ बना दें, यहां लिख दें माइनस ए जीरो माइनस सी और यहां लिख दें बी सी और ये जीरो। ठीक, तीसरी वाली पंक्ति तीसरे स्तंभ पर लिख दें, सारणिक के मान पर कोई अंतर नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहां पर एक काम और कर दें, क्या यहां पर एक काम कर दें कि यहां से अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, कितना माइनस चिन्ह यहां से कॉमन ले, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने से देखो क्या होगा, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया, तो तीनों जगह से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा जीरो, यहां से माइनस कॉमन तो ये प्लस का ए हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन तो ये माइनस का बी हो जाएगा, इसी प्रकार इससे हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस का ए हो जाएगा, ये जीरो और ये माइनस का सी हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा बी और प्लस का सी और ये जीरो। अब आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये आपका दिया गया सारणिक बन के तैयार हो गया। देखो यही तो आपका सारणिक दिया गया है, ये वाला है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा के बराबर लिख सकते हैं, तो डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा हमें मिल रहा है, तो अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये हमें टू डेल्टा बराबर जीरो मिल जाएगा और टू डेल्टा बराबर जीरो अर्थात डेल्टा बराबर जीरो। ये देखो हमसे यही सिद्ध करवाया गया था कि इसकी पूरी की वैल्यू काई के बराबर है, जीरो के बराबर, तो ये डेल्टा बराबर क्या हमने इसको ही तो माना था, तो हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा की जगह लिख सकते हैं जीरो ए माइनस बी और माइनस ए जीरो माइनस सी और ये आपका बी सी जीरो, इस प्रकार से लिख के और इसको बराबर जीरो यहां लिख दें, ये देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखो यहां भी हमने प्रसार नहीं किया, गुणधर्मों का प्रयोग करके इसको हमने प्रूफ किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात पर, इसको भी नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर सात देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सात रफ कर दे भाई, इसको हम रफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर सात पर आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर सात हमें दिया गया है देखो कितना, ये है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर ए बी और ये है ए सी, दूसरी वाली रो में लिखा है बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी और तीसरी रो में लिखा हुआ है सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर और इसका जो हमें हल देना है, इसका आंसर देना है वो है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, देखो सारणिक का गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे और इसके बाद प्रसार करके ये वैल्यू हमें ज्ञात करके सिद्ध करके दिखानी है। तो चलो यहां पर सबसे पहले डेल्टा लिख लें और एक बात साथ साथ कर दें, देखो ध्यान दें इस आर वन से हमें ए कॉमन दिख रहा है, आर टू से हमें बी कॉमन दिख रहा है, ये आर थ्री से हमें सी कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, यहां लिख दें आर वन कॉमा आर टू व आर थ्री से क्रमशः ए कॉमा बी व सी कॉमन लेने पर तो चलो यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो ए कॉमन मिलेगा, बी कॉमन मिल रहा है और सी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर जब ए कॉमन में चला जाएगा तो माइनस ए बचेगा,
ए कॉमन में चला जाएगा, यहां बी बचेगा, ए कॉमन में चला जाएगा तो यहां पर सी बचेगा। इसके बाद देखो यहां पर आ जाओ, इसमें बी कॉमन चला जाएगा तो ये ए बचेगा, यहां से माइनस बी बचेगा और यहां से सी बचेगा। इसी प्रकार यहां सी कॉमन चला जाएगा तो ये ए बचेगा, ये बी बचेगा और यहां पर माइनस का ये सी बचेगा, ठीक इस प्रकार से। इसके बाद देखो फिर दोबारा से समझो, यहां से आपको सी वन से ए कॉमन दिख रहा है, सी टू से बी कॉमन दिख रहा है और सी थ्री से सी कॉमन दिख रहा है। तो आप यहां फिर दोबारा से लिख दें, पुनः सी वन कॉमा सी टू व सी थ्री से ए कॉमा बी व से क्रमशः लिख दें, से क्रमशः ए कॉमा बी व सी कॉमन लेने पर। चलो यहां से फिर दोबारा से देखो, यहां से ए कॉमन मिल रहा है, इससे बी और इससे सी, तो यहां पर हमें देखो ए बी सी तो पहले लिखा है, दोबारा से फिर हमने ए बी सी कॉमन ले लिया। अब हमें यहां से ए जब कॉमन चला जाएगा तो माइनस एक मिलेगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, यहां से देखो कितना हो जाएगा, ये बी कॉमन चला जाएगा तो एक बचेगा, यहां माइनस एक बचेगा और यहां भी हमें एक मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से सी कॉमन जब चला जाएगा तो वन वन माइनस वन मिला, ठीक है भाई। तो यहां से तो सीधा सीधा स्क्वायर कर दो भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो एक काम और कर सकते हो, देखो सारणिक का हम जब हल करें तो याद रखें प्रसाद तब करें जब ज्यादा से ज्यादा इसमें जीरो हो जाए, ऐसा जोड़ा घटाई कुछ कर दें, रो को और कॉलमों को आपस में ऐसे जोड़ घटा दें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा अवयव इसके शून्य बन जाए, और फिर जब शून्य अवयव होते हैं तो यहां गुणा भाग करना आसान हो जाता है ना। तो हम सबसे पहले यहां पर ऐसे कर दें कि अगर इसको इससे जोड़ दें देखो जीरो हो जाएगा, इसको इससे जोड़ दें ये जीरो हो जाएगा, इसको इससे जोड़ दें तो दो बन जाएगा, तो यहां पर दो जीरो हमें मिल जाएंगे, है ना। तो चलो यहां से हम हटके और यहां पर पहुंच जाते, यहां पर समझ, तो आपके पास ये तो देखो लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो ज्यों कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहां जो ऑपरेशन किया वो यहां लिख दें, आर वन पर लिख दें, मतलब आर वन को हम रिप्लेस कर देंगे आर वन प्लस आर टू से, आर वन प्लस आर, ठीक इस प्रकार। तो देखो इसको इससे जोड़ोगे यहां जीरो लिख दें, इसको इससे जोड़ोगे यहां भी हमें जीरो मिल जाएगा, और एक एक जोड़ के यहां पर हमें दो मिल जाएगा, आर वन पर लिखना है, ठीक। और ये आपका देखो अगर चाहे तो यहां भी देखो कर सकते हो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको तो यहां भी जीरो हो जाएंगे, बाई द वे ना जोड़ो कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे ही लिख दें, देखो वन माइनस वन और वन और फिर इसके बाद वन वन माइनस वन, ठीक है, ये दोनों जो होगा। तो अब यहां पर देखो किस ये आर वन के अवयव दो अवयव शून्य हो गए, जिसके अवयव ज्यादा से ज्यादा शून्य हो उसी के सापेक्ष इसका हमें प्रसार करना है ताकि हमारी गणना सिंपल हो जाए। तो यहां पर देखो ध्यान दें, ये तो जीरो है, ये जीरो है, केवल दो मिलेगा, तो यहां लिख देते हैं देखो आर वन के सापेक्ष, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, तो यहां आर वन के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ठीक लिखा हुआ है, और यहां पर देखो इस प्रकार से लिख दें, ये तो है जीरो, ठीक, पहला भी प्लस होता है तो ये जीरो है, फिर माइनस होता है ये भी जीरो है, प्लस का दो लिख दें, और दो लिखने के बाद देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और ऐसे, मतलब पहली वाली पंक्ति तीसरे वाले स्तंभ को कैंसिल करेंगे तो ये चार अवयव मिलेंगे, इसका इसमें मल्टीपल कर दो भैया एक हो जाएगा, फिर माइनस का निशान, इसका इसमें मल्टीपल माइनस एक हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा, है ना, इस तरीके। तो बस आंसर समझो आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये यहां पर देखो दो दो का दो में मल्टीपल कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो कुल मिला के आंसर आ गया फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है देखो आर एच, ठीक है, प्रूफ यहां लिख दें भैया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने आपको बताया, इसका विशेष याद रखना है, किसी भी सारणिक को जब प्रसार करें तो उससे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा उसके अवयव जीरो बनाने, ठीक है, इस प्रकार से पंक्तियों को स्तंभों को इस प्रकार से जोड़ा घटाई कर दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अवयव उसके शून्य हो जाए, ठीक है। और जिसके जिस पंक्ति के या जिस स्तंभ के ज्यादा अवयव शून्य हो उसी के सापेक्ष उसका प्रसार कर दें ताकि गणना करने में आपको सिंपल एकदम सिंपल हो जाए, है ना। वैसे तो आप किसी भी
C1 के सापेक्ष करते हैं या C2 के सापेक्ष करते हैं या C3 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, आंसर तो वही आएगा। लेकिन यहां पर क्योंकि इसके अवयव दो शून्य है, तो यहां पर अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें तो केवल यही देखो एक केवल संख्या मिली है ना। और अगर यहां पर C1 के सापेक्ष प्रसार करते तो एक अवयव शून्य होता, फिर ये और ये दोनों अवयव यहां पर दो स्थान मिलते हैं, तो हमें थोड़ी सी गणना भारी पड़ जाती है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो दो पार्ट हैं, पहला पार्ट पहले समझ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है इस सारणी के अवयव दिए गए हैं 1 1 1, ये पहले कॉलम पर है। दूसरे वाले कॉलम पर है ABC दिया गया है। तीसरे कॉलम पर A²B²C² दिया गया, और इसका आंसर हमें दिखाना है A-B × B-C × C-A के बराबर इसका आंसर हमें लेना है। बिल्कुल एकदम आसान है और हमने बताया बहुत भैया इंपॉर्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले इसको LHS लिख लें, और LHS बराबर हमारे पास है 1 1 1, यहां पर लिखा है ABC और यहां है A²B²C², तो हमने देखो यहां से आपको एक बात बताई कि सबसे पहले हमें इसको इस प्रकार से ऑपरेट करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जीरो मिल जाए। तो यहां पर अगर हम ये R1 और R2 को आपस में घटा दें तो ये R1 में से R2 घटेगा, जीरो हो जाएगा। R2 में से R3 घटा दें तो ये एक में से एक घटेगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहां इस प्रकार से लिख दें कि R1 को यहां ये R1 को रिप्लेस कर दें R1 - R2 से, और R2 को रिप्लेस कर दें R2 - R3 से। यहां देखिए आपको क्या मिल जाएगा, इस एक में से एक घटाओगे जीरो मिलेगा, इस A में से B को घटाओगे तो ये A - B मिल जाएगा, और यहां से A²-B² मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो R2 को भी इसी प्रकार ऑपरेट करना है, R2 पर लिखना है, R2 में से R3 को घटाना है। ये है R2, ये है R3, और एक में से एक घटाओगे यहां देखो जीरो मिल जाएगा, बी में से सी घटाओगे यहां पर B - C मिल जाएगा, और फिर B² में से C² को घटाओगे तो B² - C² मिल जाएगा। ये R3 झोंका त्यों है 1 C और C², ये आपको झोंका त्यों रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो आप बहुत आसान से समझ सकते हो, यहां पर जीरो लिखा है, यहां पर A - B लिखा है, और इस पर अगर हम इसके फैक्टर कर दें तो A - B A+B मिलेंगे, और A - B इस रो से A - B कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां से देखो ये जीरो है, ये B - C है, और इसके अगर हम फैक्टर कर दें तो B - C B+C हो जाएंगे, और फिर B - C सबसे कॉमन मिल जाएगा। तो यहां हम इस प्रकार लिख दें R1 से A - B व R2 से B - C कॉमन लेने पर, तो यहां पर देखो कॉमन मिल जाएगा A - B और यहां से B - C इतना कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखो ये इसमें से A - B कॉमन लें कोई बात नहीं, जीरो ही मिलेगा, इसमें से A - B कॉमन चला जाएगा तो यहां पर एक मिल जाएगा, इसमें से A - B कॉमन चला जाएगा तो A+B मिलेगा भाई यहां पर, देखो ध्यान दे, क्योंकि इसके गुणनखंड A - B कॉमन में चला जाएगा, A+B यहां बचे। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से देखो B - C इसमें से कॉमन लें तो ये तो जीरो ही रहेगा, B - C कॉमन चला जाएगा तो यहां पर एक मिलेगा, और यहां से देखो B - C कॉमन चला जाएगा तो B - C और B+C से B+C यहां पर बच रहेगा इस प्रकार। ठीक है, और बाद बाकी ये आपकी तीसरी वाली जो रो है वो ज्यों की त्यों इसी प्रकार आपको लिखनी है। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान दें, यहां से अगर आप ध्यान दें तो A - B और B - C तो आप ज्यों का त्यों रखें, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब अगर यहां से चाहें तो ये C1 है ना, C1 के हिसाब से प्रसार कर दें, क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट तो जीरो हैं, अपने आप ऑटोमेटिक दो जीरो हैं, तो ये आपका इसके सापेक्ष प्रसार हो जाएगा। मतलब यहां लिख दें, किस प्रकार लिख दें, यहां लिख दें C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो अगर C1 के सापेक्ष प्रसार कर दें तो देखो क्या मिलेगा, पहले तो ये जीरो है भाई, पहले तो ये क्या है जीरो,
फिर यहां पर माइनस होता है, ये भी है देखो दूसरी वाली, ये भी जीरो है। फिर प्लस एक, प्लस एक लिखो, और फिर इसके बाद में देखो ध्यान दें क्या करोगे, ये वाली ये कॉलम और ये वाली रो काटनी है, तो ये चार एलिमेंट्स बचेंगे, बस इनको हमें सार्डिक में हल करना है। कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल, तो एक का बी प्लस सी में मल्टीपल करोगे कितना आएगा, ये देखो बी प्लस सी रहेगा, एक का बी प्लस सी में मल्टीपल बी प्लस सी रहेगा। फिर माइनस का निशान लगा दो भाई, यहां पर माइनस हो जाएगा। अब एक का गुणा ए प्लस बी में करोगे, ए प्लस बी ही रहेगा, ए प्लस बी अगर यहां लिखें तो ये माइनस पहले से है, इसका साइन बदल जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहां आप देख सकते हो ये माइनस का बी ये प्लस का बी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहां पर सीधा बिल्कुल एकदम आंसर मिल रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहां से देखिए सी माइनस ए कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, ये देखो आर एच एस हो गया, है ना। ये देखो एकदम सिंपल से प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने वाले प्रश्न है ये सारे। देखो ये आठ का पहला प्रश्न है, बिल्कुल सिमिलर इसी का सेकंड वाला पार्ट है, बिल्कुल एकदम सिमिलर, और इसको अगर आप चाहो तो बिल्कुल आसान तरीके से खुद कर सकते हो, ठीक है। इसको आपको खुद करना है, देखो कैसे करोगे एक बार थोड़ा हिंट कर दें। इसका देखो जो सेकंड वाला पार्ट है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस पर वन 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 लिखा हुआ है, और ये है आपका ए बी सी, और ये लिखा हुआ है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है हमने आपको बताया। और इसका आंसर लिखा हुआ है देखो ए माइनस बी, यहां है बी माइनस सी, यहां है सी माइनस ए, और इसके बाद में लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार, ठीक है। हमने आपको बताया कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार से ढूंढना है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जीरो बन जाए, ऐसे ऑपरेशन करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप जब जीरो बन जाएं, तो जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, देखो ये सी वन है ये सी टू है, अगर सी वन से सी टू घटा दें तो एक में से एक घटेगा जीरो हो जाएगा, ये सी टू है ये सी थ्री है, अगर सी टू से सी थ्री घटा दें तो ये भी देखो जीरो हो जाएगा, तो दो अभी अब जीरो हो जाएंगे, कॉमन लें और कॉमन लेने के बाद प्रसार कर दें, बस इतना ही आ जाएगा, ठीक है एकदम, इसको आप खुद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास अब क्वेश्चन नंबर है नौमा, देखिए है ना, इसको नोट कर लो भाई, और क्वेश्चन नंबर नौमा की ओर हम पढ़ते, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर नौमा देखो क्या है, देखिए नौमा प्रश्न लिखा हुआ है, यह है x by z, यहां पहले वाले कॉलम पर x by z है, दूसरे वाले कॉलम पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, और तीसरे कॉलम पर लिखा है बाई जेड, ये है जेड एक्स, और ये लिखा हुआ है एक्स बाई, और इसका आंसर हमें यहां पर प्रूव करके दिखाना है एक्स माइनस बाई, यहां लिखा है बाई माइनस जेड, यहां है जेड माइनस एक्स, और इसके बाद में एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, इतना आंसर हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहां पर समझते हैं कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एल एच एस लें, और इसको एल एच एस को हम डेल्टा के बराबर लिख लें, यहां पर समझो भैया हमें एक्स माइनस बाई चाहिए, तो ये देखो बिल्कुल एकदम आसान सा काम है, ये है हमारा आर वन, ये हमारा आर टू, अगर आर वन से आर टू को घटाएं तो एक्स में से बाई घटाएं, एक्स माइनस बाई हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यहां बाई जेड में से घटाना है माइनस जेड एक्स हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार देखो यहां से बाई में से जेड, मतलब इस प्रकार से लिख देते हैं, देखो यहां लिख दें आर वन पर लिखेंगे, आर वन में से आर टू घटाएंगे, और इसी प्रकार आर टू को हमें रिप्लेस करना है आर टू पर लिखेंगे, ये है आर टू, यहां पर लिखेंगे और आर टू में से हम आर थ्री को घटाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखो समझो x में से बाई घटा के लिख दो भाई, x माइनस बाई हो जाएगा, और यहां से एक्स स्क्वायर में से बाई स्क्वायर घटा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर बाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद देखो इसी प्रकार आर टू को भी हमें रिप्लेस करना है आर टू में से आर थ्री घटा के करना है, तो यहां से देखो ये है आर टू और ये है आर थ्री, तो बाई में से जेड घटाओगे, यहां पर हम बाई माइनस जेड लिख दें, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख दें, और ये यहां पर जेड एक्स माइनस एक्स बाई लिख दें, ये तीसरी वाली रो ज्यों की त्यों लिखनी है जेड, और यहां जेड स्क्वायर, यहां एक्स बाई, ठीक है भाई इतना,
इसके बाद आप समझ सकते हो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, डायरेक्ट नहीं बल्कि सीधा सीधा देखो x माइनस वाई तो ठीक है, यहां से आप समझ सकते हो इस पे हम अगर इसके फैक्टर कर दें तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख दें, और यहां से आप समझ सकते हो z अगर कॉमन लें बल्कि माइनस का z कॉमन ले लें तो यहां से अगर माइनस z कॉमन में चला जाएगा तो x प्लस का और माइनस का आपका यहां पर y बचेगा, ठीक है इतना बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार यहां देखो y माइनस जेड ठीक लिखा हुआ है, यहां से अगर इसके फैक्टर कर दें तो y प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस जेड इस प्रकार से मिलेंगे, और यहां से आप समझ सकते हो x कॉमन है तो अगर माइनस का x कॉमन लें तो ये हमारे पास y प्लस का हो जाएगा माइनस का जेड हो जाएगा, ठीक है भैया। और इसके बाद ये तीसरी वाली रो ज्यों की त्यों जेड जेड स्क्वायर और यहां पर एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब आप समझ सकते हो ये है हमारा R1, ये हमारा R2, R1 से x माइनस वाई और R2 से वाई माइनस जेड हम कॉमन लेंगे, ठीक है मिल रहा है कॉमन तो ले लेते हैं, यहां पर लिख दें R1 से x माइनस वाई व R2 से वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर तो यहां पर कॉमन लेने की बात देखो क्या मिलेगा हमें, यहां से देखो x माइनस वाई हम बाहर निकाल लें भाई, x माइनस वाई हमारे पास कॉमन से बाहर हो जाएगा, इसमें से y माइनस जेड बाहर निकाल लें तो y माइनस जेड भी देखो ये बाहर मिलेगा। अब हमें बचेगा कितना देखो यहां लिख देते हैं, यहां पर x माइनस वाई कॉमन चला जाएगा एक बचेगा, यहां से x माइनस वाई जब कॉमन चला जाएगा तो x प्लस वाई बचेगा, यहां से x माइनस वाई कॉमन चला जाएगा तो माइनस का जेड बचेगा, भैया देखो इतना तो ठीक है। यहां पर आ जाओ y माइनस जेड कॉमन चला जाएगा तो यहां पर हमें एक मिलेगा, y माइनस जेड यहां कॉमन चला जाएगा तो y प्लस जेड मिलेगा, और यहां आप समझ सकते हो माइनस का x मिल जाएगा। इसके बाद देखो ये तीसरी रो ज्यों की त्यों यहां लिख दें जेड, यहां लिख दें जेड स्क्वायर और ये आपका x इंटू वाई, ठीक है भाई इतना ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान दें x माइनस वाई और ये वाई माइनस जेड दो गुणनखंड भी देखो मिल रहे हैं भाई हमारे, है ना थोड़ा आगे बढ़ रही है आगे सही बिल्कुल एकदम। तो वो अब हमने आपको बताया कि हमने हमारा उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अवयव शून्य हो जाएं, तो एक अवयव तो शून्य दिख रहा है हमारा, अगर ये R1 में से इस R2 को घटा दें तो एक में से एक घटेगा ये जीरो हो जाएगा, है ना। यहां लिख देते हैं R1 को रिप्लेस कर दें R1 माइनस R2 से, केवल एक ऑपरेशन यहां कर देते हैं, इस एक में से एक घटा दें तो इसको यहां जीरो लिख दें, x प्लस वाई में से देखो ध्यान दें x प्लस वाई में से घटाना है कितना वाई प्लस जेड तो वाई माइनस जेड हो जाएगा वाई माइनस जेड इस प्रकार, यहां देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा x माइनस जेड बचेगा कितना x माइनस जेड। इसी प्रकार देखो यहां पर माइनस का जेड ये लिखा हुआ है, इसमें से घटाना है कितना घटाना है माइनस का x तो ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो यहां भी हमें x माइनस जेड लिखना है कितना x माइनस जेड, ठीक है भाई। इसके बाद देखो इस पर हमने कुछ नहीं किया है वन और ये आपका वाई प्लस जेड माइनस का एक्स, और यहां पर समझते हैं ये आपका जेड ये जेड स्क्वायर एक्स वाई ज्यों का त्यों, ठीक है भाई इतना समझ में आया। इसके बाद देखो और एक सीधा ये कॉमन दिख रहा है, देखो ध्यान दें इस रो में पहली वाली रो में आर वन में हमें जेड माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, अगर हम यहां से ऋण कॉमन लेंगे तो ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा, यहां से ऋण कॉमन लें तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहां से आर वन से हम जेड माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं कॉमन लेने पर तो को यहां से अगर हम कॉमन लें तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, फिर देखो ये तीसरा गुणनखंड भी हमें कॉमन मिल रहा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो जीरो, यहां पर अगर हम z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा भैया माइनस एक बचेगा, यहां भी देखो उसी प्रकार माइनस एक यहां मिलेगा और ये एक बाई प्लस जेड माइनस का एक्स और ये z और ये z स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ठीक है भाई इतना ठीक है। इसके बाद देखो और ध्यान दें, अगर हम इसमें से ये है हमारा सी टू ये हमारा सी थ्री, अगर हम सी टू से सी थ्री को घटा दें, ये C2 है इस C3 को अगर घटा दें तो घटाने से हमें एक जीरो और मिल जाए, ठीक है। तो बस फिर हमारे पास समस्या समझो खत्म हो जाएगी, तो एक काम करते हैं यहां से हम क्या कर दें
कि सी टू को रिप्लेस करेंगे सी टू माइनस सी थ्री लिख रहे, ठीक है। चलो यहां पर देख लेते हैं, यहां पर थोड़ा जगह कम है, यहां देख ले हमने क्या किया है, C2 पर लिखना है, C2 में से C3 को घटा के लिखना है। यहां देखो x माइनस वाई और ये आपका y माइनस जेड और ये आपका जेड माइनस एक्स, तीन गुणनखंड ज्यों के त्यों रखेंगे। और इसमें फिर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, इनटू में यहां पर थोड़ी जगह कम है, यहां लिख देते है ना। इसमें से हमने क्या किया, ये आपका सी वन है, ज्यों का त्यों लिखना है जीरो वन जेड, ज्यों का त्यों लिखना है। और इसमें ये हमारा C2 है, C2 में से हमें C3 को घटाना है, तो यहां से माइनस वन में से घटाना है माइनस वन, तो आपका ये जीरो हो जाएगा। देखो माइनस वन में से घटाना है कितना, माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस वन माइनस वन जीरो होगा कि नहीं होगा, तो यहां से हम इसमें से इसको घटाओगे तो जीरो मिलेगा, और यहां से अगर इसको घटाओगे तो ये देखो प्लस हो जाएगा, मतलब वाई प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखिए जेड स्क्वायर लिखा है और जेड स्क्वायर में घटाना है एक्स इंटू वाई, ठीक है। और ये आपका ज्यों का त्यों, माइनस का वन और माइनस का एक्स और ये एक्स इंटू वाई ज्यों का, ठीक है। इसके बाद अब बिल्कुल एकदम आसान काम है, हम क्या करेंगे, हम ये आर वन के सापेक्ष इसका सीधा प्रसार कर दें, क्या कर दें, आर वन के सापेक्ष प्रसार कर दें, यहां लिख दें आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहां पर हम प्रसार जब कर देंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, ये गुणनखंड x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ज्यों के त्यों। अब देखिए यहां पर प्रसार कैसे करेंगे, देखो ये तो जीरो ही है भैया, इसमें तो कुछ करना नहीं है, फिर माइनस का निशान लगाओ और ये एलिमेंट ये भी जीरो है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, फिर माइनस का एक लिखना है, तीसरा एलिमेंट माइनस एक है ना। और फिर इसके बाद देखो इसको हमें पहली वाली रो और तीसरी वाली कॉलम को काट देना है, और फिर इसके बाद इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल। चलो यहां करके दिखा देते हैं, देखो एक का मल्टीपल सीधा यही रहेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, फिर माइनस का निशान लगा दो और इसका इसमें मल्टीपल कर दो और सारे निशान माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहां पर माइनस है ना, तो ये जेड का वाई में गुणा, यहां लिख दें वाई जेड और यहां पर माइनस का लिख दें जेड स्क्वायर और फिर माइनस का लिख दें जेड एक्स, माइनस का जेड एक्स, ठीक है इतना, ठीक है भाई। और इसके बाद में यहां देखो एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहां पर समझिए क्या बचेगा, देखो ध्यान दें माइनस का अंदर मल्टीपल कर दें, यहां से समझ सकते हो माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक का अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स इंटू वाई, प्लस का हो जाएगा वाई इंटू जेड, प्लस का हो जाएगा जेड इंटू एक्स। देखो बिल्कुल एकदम सीधा पूरा आंसर मिल रहा है, देखिए समझिए है ना, ये आपके पास आर एच एस मिल रही है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये देखो आर एच एस हमें मिल रही है, ठीक है भैया क्लियर। थोड़ा बड़ा सवाल होता है लेकिन एकदम सरल है, आसान सवाल, ठीक है, तो इसको भी भैया नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो इसको, और क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इससे भी थोड़ा सिंपल है, छोटा है, देखो दसवां प्रश्न आपका है ये, इसमें लिखा हुआ है, इसमें दो भाग है ना, इसके दो भाग हैं, देखो एक भाग हम कर देते हैं एक आप कर लें, एक ही जैसे हैं दोनों। यहां से सबसे पहले हम दसवें का पहला पार्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है x प्लस फोर और ये आपके पास है 2x और ये 2x, ठीक है। दूसरे वाले स्तंभ पर लिखा हुआ है 2x x प्लस फोर और यहां पर 2x, और तीसरे वाले जो स्तंभ पर है वो लिखा हुआ है 2x फिर है 2x और यहां पर है x प्लस फोर। इसका आंसर हमें दिखाना है कितना, 5x प्लस चार इंटू में चार माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए
देखो समझो भाई, हमें सबसे पहले अपने आंसर की ओर थोड़ा झांकना होता है कि भैया हमें यहां तक पहुंचना है, तो 5x+4 को हमें ले आना है। क्या कर दें कि 5x+4 बन जाए? देखो ध्यान दें, इसको 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 तीनों को जोड़ दें, 2x 2x कितना होगा 4x 4x में 1x जोड़ेंगे 5x 5x+4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी 5x+4 हो जाएगा, यहां भी 5x+4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, R1 को रिप्लेस करना है R1+R2+R3 से। देखिए LHS में हमें क्या मिल जाएगा, इन तीनों को जोड़ के हमें यहां पर लिखना है, ठीक है, इनको 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 और इनको इनको और इनको जोड़ के हमें R1 पर लिखना है। तो यहां पर हम सीधा लिख देते हैं 5x+4, समझ में आ गया, 2x 2x 4x 1 5x+4। इसी प्रकार 2x 2x 4x और 1x 5x+4, यहां भी हम 5x+4 लिख दें। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 2 और 2 4 और 1 5, यहां भी हमें 5x+4 ही मिलेगा, ठीक है। और ये आपका ज्यों का त्यों 2x x+4 2x, और यहां भी हमें देखो 2x और 2x और x+4 ज्यों का त्यों हम रख दें, ठीक है भाई। इसके बाद देखो समझते हैं, R1 से हम 5x+4 कॉमन मिल रहा है हमें, तो यहां पर हम लिख रहे हैं R1 से 5x+4 कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन मिल हम ले लेंगे 5x+4, जब कॉमन ले लेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, यहां वन मिलेगा, है ना, यहां से 5x+4 कॉमन मिल जाएगा, तो 1 1 1। और इसके बाद ये आपका 2x, यहां पर x+4 और यहां पर 2x, यहां पर भी देखो हमें मिलेगा 2x और ये 2x और ये x+4 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने बताया इसके हमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जीरो करने हैं, तो बहुत आसान बात है भैया, देखो ये c1 है, ये c2 है, अगर इस c1 में से c2 को घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा, और ये c2 है, ये c3 है, c2 में से c3 को घटा दें, मतलब एक में से एक घटा दें, एक जीरो और मिल जाएगा, तो दो एलिमेंट हमारे जीरो हो जाएंगे, फिर प्रसार कर देंगे, बिल्कुल एकदम आसान काम हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर दें, देखो यहां लिख देते हैं यहीं से, चलो यहां आज हम यहां पर लिख दें c1 को रिप्लेस करेंगे c1-c2 से, और c2 को रिप्लेस करेंगे c2-c3 से। तो यहां पर देखो 5x+4 तो आपका ज्यों का त्यों बना रहेगा, और इसके बाद देखो ध्यान दें, ये है c1 और ये है c2, एक में से एक घटाओगे, यहां लिख दें 0, 2x में से घटाओगे x+4 तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ही 4 हो जाएगा, तो 2x में से 1x घट जाएगा, 1x बचेगा और माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका 2x है, 2x में से 2x घटेगा, ये भी आपका देखो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये c2 है, ये c3 है, c2 में से c3 को घटाना है, मतलब 1 में से 1 को घटाना है, यहां भी 0 लिख दें। और ये x+4 में से माइनस का 2x घटेगा तो कितना मिलेगा, 4-x मिलेगा, कितना मिलेगा, 4-x मिलेगा। इसके बाद इसी प्रकार देखो 2x में से x+4 को घटाओगे तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, 2x में से 1x घटेगा, 1x-4 हमें यहां मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपका 1 और ये 2x और ये आपका x+4 ज्यों का त्यों रहेगा इस प्रकार, ठीक है भाई। इसके बाद देखो यहां पर हम सीधा R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, बस आंसर आ जाएगा, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहां पर हमें मिल जाएगा 5x+4 और यहां पर देखो प्रसार करके दिखा देते हैं कैसे करोगे। देखो ये 0 है ना, ये 0 है, फिर इसके बाद माइनस का निशान लगाओ भाई, ये भी 0 है, इसको भी कुछ नहीं करना है, फिर प्लस का निशान लगा के एक पहला ये देखो एक अवयव लिखना है ना, और फिर इसको यहां पर देखो इस प्रकार से पहली वाली पंक्ति और तीसरा वाला कॉलम काट दें, तो ये हमारे पास जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसका हमें हल करना है। देखो इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें, मतलब सीधा x-4 का गुणा करना है, काय में x-4 में गुणा करना है, फिर माइनस और इसका इसमें गुणा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां लिख सकते हैं 5x+4 इंटू में x-4 यहां पर हम लिख सकते हैं x-4 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो ध्यान दें 5x+4 इंटू में अगर x-4 का होल स्क्वायर है और माइनस यहां से कॉमन लें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा,
तो आंसर मिलाने के लिए यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान दें, माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो चार हो जाएगा प्लस का, माइनस का एक्स हो जाएगा। वैसे तो आंसर यही सही है, लेकिन क्योंकि हमें जैसा प्रश्न में दिया गया हम वैसे ही प्रूव करेंगे, तो यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया और चार माइनस एक्स का होल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आर एच एस मिल रहा है, ठीक है, नोट कर लो भैया। ये है क्वेश्चन नंबर 10 में का पहला प्रश्न, और इसी का एक दूसरा पार्ट और है जो कि आपको खुद करना है, ठीक है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को इसको हम रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझ लेते हैं। देखिए 11 प्रश्न क्या कहता है, यह लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी, और ये है 2b और ये 2c। दूसरी वाली स्तंभ में आपको यहां पर लिखा हुआ है 2a, लिखा हुआ है b माइनस सी माइनस ए, और ये आपको 2c मिल रहा है। यहां पर आपको लिखना है 2a, यहां आपको लिखना है 2b, और यहां आपको लिखना है c माइनस ए माइनस बी, और बराबर का निशान लगा के आंसर आपको देना है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, या क्यूब लिखा हुआ है, होल ऑफ क्यूब लिखा है, चलो यहां पर होल ऑफ क्यूब प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कैसे, देखो इसको प्रूव करोगे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर a प्लस बी प्लस सी हमें ले आना है ना, a प्लस बी प्लस सी ले आना है, तो क्या कर दें कि a प्लस बी प्लस सी हो जाए। देखो ध्यान दें, अगर हम इसको तीनों को, मतलब R1, R2, R3 तीनों को जोड़कर R1 पर लिख दें तो a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। देखो ध्यान दें कैसे मिल रहा है, ये है a माइनस, देखो करके यहां दिखा दे, a माइनस बी माइनस सी, ये है हमारा पहली वाली रो का पहला अवयव, और ये आपका इसमें जोड़ना है 2b, इसमें जोड़ना है 2c, इन तीनों को जोड़ के यहां लिखना है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, a तो प्लस का है, 2b में से एक b घट जाएगा प्लस का एक b बचेगा, इसी प्रकार 2c में से एक c घट जाएगा प्लस का एक c बचेगा। मतलब सीधी बात है कि अगर हम इस प्रकार से कर दें कि R1 को रिप्लेस कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दें, तो हमें a प्लस बी प्लस सी R1 पर मिल जाएगा। तो यहां से देखो LHS को हमने बताया डेल्टा से लिख लें, और ये तीनों को जोड़ के यहां लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। यहां देखो इन तीनों को जोड़ के यहां लिखना है, इस जगह पर लिखना है, तो यहां भी हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। इन तीनों को जोड़कर यहां लिखना है तो यहां भी हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। देखो R1 पर हमने लिख दिया, R1 को रिप्लेस किया है, कैसे रिप्लेस किया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ के, है ना। R2 जो कहते हो है तो आप जो कहते हो लिख दो भाई, 2b b माइनस सी माइनस ए, और यहां 2b, और ये R3 भी आपको जो कहते हो लिखना है 2c 2c, और c माइनस ए माइनस बी, ठीक है भाई, कितना ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी तीनों मतलब एक पूरी रो से, हम तीनों जगह से हमें कॉमन दिख रहा है, R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहां से हम अगर कॉमन लें R1 से a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर 1 1 1 मिलेगा, और यहां पर हमें मिलेगा 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, यहां 2c 2c, और यहां c माइनस ए माइनस बी मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, हमने जो कॉमन लिया वो तो यहां लिखा नहीं, तो भैया यहां उसको भी लिखना है, a प्लस बी प्लस सी जो कॉमन मिला है वो यहां, ठीक है। आगे a प्लस बी प्लस सी फिर जो कहते हो लिख दें, और ध्यान दें यहां से हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि अगर ये C1 में से C2 घटा दें तो ये तो जीरो हो जाएगा, हमें जीरो बनाना है ना, और ये C2 में से अगर C3 घटा दें तो ये भी जीरो मिल जाएगा। तो यहां पर दो हमारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, मतलब हम C1 में से C2 को घटा के C1 पर लिख दें, और इसी प्रकार C2 को भी हम रिप्लेस करेंगे, मतलब C2 पर लिखेंगे और C2 में से C3 को घटाएंगे। चलो यहां लिख देते हैं,
ये आपका है C1, ये है आपका C2, इसमें से इसको घटाना है, एक में से एक घटाना है जीरो, दो भी में से घटाना पड़ेगा आपको। देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार दो सी में से दो सी घटाओगे तो यहां पर जीरो मिल जाएगा। अब देखो यहां पर तो एक में से एक घटाओगे यहां जीरो मिलेगा। अब b माइनस सी माइनस ए से आपको ये देखो माइनस का दो भी है ना, यहां से घटाना है तो माइनस का दो भी हो जाएगा। अब माइनस का दो भी एक भी घट जाएगा तो एक माइनस का b है, माइनस का a है, माइनस का c है, माइनस अगर कॉमन लें तो a प्लस बी प्लस सी हमें यहां मिल जाएगा, ठीक है। और यहां इसी प्रकार देखो यहां से समझते हैं, टू सी में से हमें घटाना है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहां पर प्लस का ए प्लस का बी और प्लस का सी मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी हमें यहां मिल जाएगा। और यहां पर तो हमने कुछ किया नहीं है, वन टू बी और यहां सी माइनस ए माइनस बी ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझ सकते हो कि यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है और यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, मतलब सी वन क्या लिख दें यहां, सी वन व सी टू से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, तो यहां पर कॉमन ले लेते हैं। देखो पहले से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तो पहले से रखा हुआ है और यहां से कॉमन लेंगे और फिर यहां से भी वही चीज कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन और a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन में आ रहा है। अब क्या मिलेगा यहां पर, आपको जीरो वन जीरो मिलेगा, जीरो वन जीरो मिलेगा, यहां से समझ सकते हो जीरो और यहां माइनस वन और यहां पर वन मिलेगा, और ये आपका ज्यों का त्यों वन और ये टू बी और ये आपका सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है भाई। अब बस इसका प्रसार कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा। देखो समझ सकते हो a प्लस बी प्लस सी का तो यहां पर क्यूब मिल जाएगा, एकदम बिना सोचे बिचारे आप लिख सकते हो स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का गुणा करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मिलेगा। यहां पर देखो प्रसार कर देते हैं, पहले r1 के सापेक्ष कर रहे तो r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ये तो जीरो है, फिर माइनस ये भी देखो जीरो है, फिर प्लस का एक लिख दो ये वाला। अब क्या करना है, इसको और इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये चार एलिमेंट्स बचेंगे, इनका हम यहां पर डिटरमिनेंट का कैसे हल करते हैं, इसका इसमें मल्टीपल एक का एक में गुणा एक कर दें, फिर माइनस अब जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, देखो ठीक है। तो बस केवल एक एकम एक मतलब एक बचा, एक का इसमें मल्टीपल उतना ही रहेगा भैया, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल क्यू, ये हो गया देखो आंसर। बहुत हमने बताया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहद अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लें, ये आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाला भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से नोट करते जाओ भैया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसका दूसरा पार्ट है आपके लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर है ये, इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपको खुद करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर बारहवें पे, देखो बारहवां प्रश्न क्या है, अब ये वास्तव में इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट के साथ सिंपल है, ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। देखिए हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर बारहवां पे, देखो बारहवां प्रश्न क्या कहता है, बारहवां प्रश्न है आपके पास कोई सार्डिक है, इसके अवयव हैं वन एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर और एक्स लिखा हुआ है, दूसरी वाली कॉलम पर लिखा है एक्स और ये है वन और ये है एक्स स्क्वायर, तीसरे वाले कॉलम पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स और ये आपका वन, और इसका आंसर हमें प्रूव करके दिखाना है, वन माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इतना हमें प्रूव करना है। देखिए इसको कैसे करोगे, देखो यहां पर एल एच एस लें, मतलब हम डेल्टा के बराबर लिख दें, यहां पर देखो वन माइनस एक्स क्यूब चाहिए हमें, तो हम यहां पर 1 माइनस एक्स पहले कैसे देखो ले आएंगे, इसमें से इसको घटा दें, हैं 1 माइनस 1 में से इसको घटाएं, इसको घटाएं, इसको घटाएं, ठीक है, या एक काम करते हैं, बिल्कुल एकदम आसान वाला काम समझ में आ रहा हमें, हम एक काम कर लेते हैं कि हम R1 पर लिख दें R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से R1 को रिप्लेस यहां पर हम बदल के लिख दें,
क्या कैसे बदलेंगे, इन तीनों को जोड़कर यहां लिख दें, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से देखो हमें क्या मिल जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां लिख दें, और इसी प्रकार वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां लिख दें, वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां लिख दें, मतलब तीनों को जोड़कर हम आर वन पर लिख दें। तो यहां भी देखो हमें वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यहां भी हमें वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये वन है और ये एक्स, यूं कहते हो यहां पर देखो ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये आपका वन है, ये भी यूं कहते हो। अब हम कह सकते हैं कि आर वन से वन प्लस एक्स स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहां कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो अब हमें यहां पर देखो वन 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 मिलेगा, यहां पर हमें देखो एक्स स्क्वायर वन और एक्स मिलेगा, और ये आपका एक्स एक्स स्क्वायर वन जो करते हो। अब हमने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा अभी अब हमें शून्य बनाने हैं, तो बहुत आसान काम है। ये है सी वन, ये है सी टू, ये सी वन में से सी टू घटाएं जीरो हो जाएगा, सी टू में से सी थ्री घटाएं जीरो हो जाएगा। तो सीधी बात है, हम क्या कर दें, सी वन को रिप्लेस करें सी वन माइनस सी टू से, C2 को रिप्लेस कर दें C2 माइनस C3 से, ठीक है भैया। यहां लिख देते हैं देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से हमें देखो क्या कर दें, ये C1 है और ये C2 है, 1 में से 1 घटाएंगे 0 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर में से 1 घटाएंगे ये हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, और यहां x में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा। वन में से वन घटाएंगे इसको जीरो लिख दें, वन में से एक्स घटाएंगे तो वन माइनस एक्स लिख दें, और एक्स स्क्वायर में से एक घटाना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक लिखना पड़ेगा, और वन एक्स वन ज्यों का त्यों, वन एक्स वन ज्यों का त्यों, ठीक है भाई, इतना ठीक है। इसके और आगे देखो ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर और आगे ना बढ़ाना चाहें तो हम सीधा ऐसे ही कर दें। देखो ध्यान दें, वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो अगर चाहो तो सीधा प्रसार कर दो काम चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा और हल कर ले तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा देखो और आगे हम ले जाएं जीरो जीरो वन ज्यों का त्यों, यहां से अगर हम वर्गांतर का फॉर्मूला लगाएं तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, मतलब इसके हमने फैक्टर कर दिए। यहां पर देखो वन माइनस एक्स लिखा है तो ठीक है भैया, इसको नहीं बदलेंगे, वन माइनस एक्स ज्यों का त्यों, और यहां यहां हम एक्स लिख दें ये भी ज्यों का त्यों। यहां से इन दोनों जगह से एक्स कॉमन लें तो वन माइनस एक्स मिलेगा यहां पर, ठीक है, वन माइनस एक्स मिलेगा, और यहां से अगर हम वर्गांतर से गुणनखंड कर दें, मतलब इसके हम गुणनखंड एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन लिख दें, और यहां हमें वन मिलेगा ये ज्यों का त्यों, ठीक है, ये हम ज्यों का त्यों लिख दें, इतना ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान दें, वन प्लस एक्स स्क्वायर ये ठीक है, ज्यों का त्यों लिखा रहने दें। इस पर यहां पर थोड़ा विचार करें कि हमें यहां पर इस वाली रो से x माइनस वन या वन माइनस एक्स कॉमन ले लेते, देखो ध्यान दें वन माइनस एक्स यहां से कॉमन ले लिया, वन माइनस एक्स यहां से, और वन माइनस एक्स यहां से भी कॉमन ले लिया, तो वन माइनस एक्स का स्क्वायर यहां मिल जाएगा। लिख देते हैं यहां आर वन व आर टू से वन माइनस एक्स कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमें कॉमन मिल जाएगा। तो अब यहां पर देखो जीरो है, जीरो ही रहेगा। यहां से देखो हमने एक्स माइनस वन लिखा हुआ है और 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो माइनस भी यहां पर हमें मिलेगा, माइनस बचेगा और एक्स प्लस वन तो बचा ही बचेगा भैया, यहां तो लिख दें। और यहां से 1 माइनस एक्स कॉमन चला जाएगा तो यहां से हमें एक्स मिल जाएगा, तो ये सी वन से हमने 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहां सी टू से 1 माइनस एक्स कॉमन मिलेगा तो ये तो जीरो ही रहेगा, यहां से हमें एक मिल जाएगा, और यहां से हमें ये देखो माइनस मिलेगा, मतलब माइनस का एक्स प्लस वन यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपका वन एक्स वन ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, और वन माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर ये भी ज्यों का त्यों। अब हम प्रसार कर देते हैं सीधा, आगे कुछ भी नहीं करना है, आर वन के सापेक्ष प्रसार कर दें, तो देखो ये तो जीरो है, माइनस ये भी जीरो है, फिर प्लस वन, और इसके बाद देखो ध्यान दें ये वाला पहली पंक्ति तीसरा वाला कॉलम इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आप भी जो ये सार्डिक जो मिलेगा वो इसका इसमें मल्टीपल, माइनस इसका इसमें, ठीक है।
तो यहां से देखो माइनस माइनस का तो प्लस बन जाएगा, x प्लस वन गुणा करेंगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर मिलेगा, फिर माइनस और x का एक में गुणा हमें x मिल जाएगा, ठीक इस प्रकार। चलिए बस समझो अब बिल्कुल एकदम आंसर के निकट पहुंचने ही वाले हैं, समझो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको जो कहते हो, और यहां पर समझ लेते हैं। देखो ये तो आपका जीरो ही है, एक का मल्टीपल करोगे इतना ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ दें, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक मिलेगा, प्लस दोनों इनका दोनों पदों के गुणा का दूना लिखते हैं तो दो एक्स लिखेंगे माइनस का एक्स, ये दो एक्स में से एक एक्स घट जाएगा तो एक एक्स प्लस का बचेगा यहां पर, तो हमें वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहां पर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहां पर आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर मिल जाएगा। देखो दो एक्स में से एक एक्स घट जाएगा एक एक्स बचेगा, तो वन प्लस एक्स मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां भी देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इनका दोनों का गुणनफल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और ये आपके पास देखो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर तो लिखा ही है, अब इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को एक साथ देखो ध्यान दें, 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका टोटल का स्क्वायर लिख दें। अब इन दोनों का गुणनफल तो आपको बहुत अच्छे से पता है कितना होता है, इन दोनों का गुणनफल 1 माइनस एक्स क्यूब होता है, और होल वर्ग ये जो कहते हो, बस भैया देखो आरएचएस आ गया, ठीक है क्लियर। तो इस प्रकार से देखो हमें इस प्रश्न का भी हल मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, ये आरएचएस की ओर हम आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है भैया, नोट कर लो। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखो 13वां प्रश्न क्या है इसको नोट कर लें, ठीक है भाई सब कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है, 13वां प्रश्न देखो, इसमें लिखा हुआ है ये सार्डिक बना है 1 - a² - b² और ये है 2ab और ये है 2b और यहां पर लिखा है 2ab और फिर इसके बाद 1 - a² + b² और यहां पर लिखा है माइनस का 2a, ठीक है, और तीसरे स्तंभ पर लिखा है -2b और फिर इसके बाद ये है 2a और फिर इसके बाद 1 - a² - b², ठीक है इस प्रकार से, और बराबर में यहां पर हमें इसका आंसर मिल रहा है 1 + a² + b² का होल ऑफ क्यूब आंसर में ले आना है, ठीक इतना ले आना है भैया। चलो इसको भी देखो समझ लेते हैं क्या करना है, देखो यहां पर हमें LHS मतलब डेल्टा के बराबर लिख लें। चलो यहां पर तो कुछ समझ लेते हैं, 1 + a² + b² ले आना है भैया, 1 + a² + b² लाना है, 1 + a² + b² लाना है, कैसे लाएंगे भैया देखो ध्यान दें, देख लेते हैं कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं लिख दिया भैया, एक बार क्वेश्चन को पूरे चेक कर लेते हैं। यहां पर लिखा है 1, हाँ ठीक है भाई थोड़ा गलत लिखा हुआ, यहां पर देखो तो संशोधन कर लें, 1 + a² - b², अब ठीक है ना, अब ठीक देखो ध्यान दें हमें क्या करना है, यहां पर a² + b² ले आना है ना, 1 + a² + b² तो 1 + a² + b² एक काम करते हैं कि यहां पर इसमें हम b का मल्टीपल कर, यहां पर अगर हम b का मल्टीपल कर दें और इसके बाद फिर इसमें जोड़ दें तो 1 + a² + b² मिल जाए। हम एक काम करते हैं R1 को रिप्लेस करते हैं R1 + BR3 इस प्रकार से लिख दें, देखो ध्यान दें तो हमें यहां पर देखो इस LHS में क्या मिल रहा है, ये है R1 और ये है R3, इसमें हमने B का गुणा करना है, सभी अवयवों में B का गुणा कर दें और इसके साथ जोड़ दें, देखो ध्यान दें अगर इसका B के साथ गुणा करेंगे तो B² हो जाएगा, तो 2B² यहां जोड़ दें तो 1B² घट जाएगा 1B² बचेगा, मतलब हमें यहां पर मिलेगा 1 + a² + b², ठीक है।
यहां समझे देखो, इसमें भी हम बी का गुणा करेंगे और ये आपको इसमें इससे जोड़ देना है, तो क्या माइनस का दो ए बी प्लस का दो ए बी, ये तो जीरो हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। इसमें भी देखो यहां पर हमें माइनस दो बी है, ये माइनस का दो बी है और इसमें जोड़ना क्या है, इसमें बी का गुणा करके जोड़ना है, इसमें बी का गुणा करना है, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। इसमें हमने बी का गुणा किया और इसके साथ जोड़ दिया, इस पर कुछ नहीं, इस पर कुछ नहीं, ये ज्यों के त्यों लिख दें, टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आपका टू ए, और इसी प्रकार यहां पर देखो टू बी और यहां पर माइनस का टू ए और यहां पर वन माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है भाई, ये ज्यों का। चलो और थोड़े आगे बढ़े तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान दें, चलो एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका जीरो, यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से एक काम करते हैं, बी का अंदर मल्टीप्ल करेंगे तो प्लस का बी हो जाएगा और ये आपका माइनस का दो बी है तो माइनस का एक भी मिलेगा, माइनस का एक भी मिलेगा, तो यहां से अगर हम माइनस का एक भी मिलेगा और माइनस आई का आपका ए स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस का बी क्यूब हो जाएगा, तो एक काम करते हैं यहां से माइनस कॉमन लेके माइनस का बी कॉमन लें तो हमें मिल जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, इसको थोड़ा हमने डायरेक्ट किया, एक बार समझ लें, माइनस का दो बी, ये देखो इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो प्लस का बी हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस का बी क्यूब हो जाएगा, तो यहां से आप देखो इनका दोनों का हिसाब किताब, माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस का बी क्यूब, अब यहां से माइनस बी कॉमन लें तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से देखो हमने इतना लिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको रब कर लो, यहां समझते हैं, देखो आगे, अब आगे तो ज्यों का त्यों लिखें, कुछ करना ही नहीं है, तो आपको यहां टू ए बी लिखना है, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है और ये आपका टू ए ज्यों का त्यों रहेगा, ये टू बी ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस का टू ए ज्यों का त्यों रहेगा, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। अब आप देख सकते हो कि आर वन में से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, क्या करोगे आप, आर वन से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेने पर तो यहां से हमें कॉमन मिलेगा, देखो तो कॉमन मिलने के बाद देखो यहां से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां कॉमन लेने के बाद यहां पर देखो क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा हमें एक, यहां पर ये जीरो, यहां पर माइनस का बी मिलेगा, ठीक है, और इसको ज्यों का त्यों, इसको भी ज्यों का त्यों रखना है, टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए और यहां पर टू बी माइनस का टू ए वन माइनस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों, ठीक है, इतना ज्यों, ठीक है। इसके बाद देखो और आगे, और थोड़ी आगे, आप देखो समझो भैया आप क्या करना है, अब एक और बात समझो, यहां पर अगर हम ए का मल्टीपल कर दें, ए का मल्टीपल कर दें तो यहां पर कितना हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा और फिर ये टू ए बी में से इसको घटा दें तो टू ए बी में से टू ए बी घटेगा, एक जीरो हो जाएगा, ठीक है, यही तो हमारे ऑपरेशन करने का यही तो उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा अवयव हमारे जीरो हो जाए, तो जीरो बिल्कुल बन जाएगा। इसमें ए का मल्टीपल करोगे दो ए बी हो जाएगा, दो ए बी में से दो ए बी घटाओगे एक जीरो बन जाएगा, तो यहां पर हम आर टू पर लिखेंगे, ये आपका क्या है आर टू, आर टू पर लिखेंगे और आर टू में से घटाना है ए आर थ्री, कितना ए आर थ्री, तो यहां पर हमें देखो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्यों का त्यों मिलेगा और फिर इसके बाद में यहां से हमें देखो आर टू पर ये ऑपरेशन करना है, आर वन पर तो कुछ करना नहीं, तो वन जीरो माइनस बी, वन जीरो माइनस बी आपको ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है, और फिर इसके बाद में देखो दूसरा ये आपका जो है आर टू है और इसमें हमें आर थ्री में ए का मल्टीपल करना है और इसके साथ घटाना है, तो अगर हम ए का यहां मल्टीपल करेंगे तो दो ए बी और दो ए बी में से दो ए बी घटाएंगे तो यहां पर हमें जीरो मिल जाएगा। इसमें भी देखो ध्यान दें, अगर हम यहां पर ए का मल्टीपल करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो यहां पर लिख देते हैं वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये लिखा है वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें घटाना कितना है, इसमें आपको घटाना है अगर हम ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का दो ए स्क्वायर घटाना, माइनस दो ए स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस दो ए स्क्वायर,
अगर घटाओगे तो ये प्लस का निशान हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना, तो दो ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा, तो एक बचेगा यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस बी स्क्वायर बचेगा, मतलब वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहां समझते हैं, यहां भी हमें क्या करना है, ये देखो है दो ए, ये कितना है दो ए, और इसमें हमें बी ए का गुणा करना है, ए का गुणा करना है तो देखो ए मिलेगा, ए का गुणा करोगे तो माइनस का ए क्यूब हो जाएगा, ए का गुणा करोगे तो माइनस का ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या करना है घटाना है, देखो इसमें से घटाना है ना, तो घटाने से क्या करोगे इसके सभी निशान बदल जाएंगे, टू ए प्लस सॉरी टू ए माइनस ए प्लस ए क्यूब हो जाएगा प्लस ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, यहां देख सकते हो दो ए में से एक ए घट जाएगा, एक ए बचेगा, प्लस ए क्यूब होगा यहां पर, ए बी स्क्वायर होगा, ए कॉमन लें तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर देखो इस प्रकार से बचे, है ना, यहां पर हम लिख सकते हैं कितना, देखो ध्यान दें यहां कितना लिख दें, यहां पर हमें लिखना है वन ए पहले लिख दें और फिर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां लिख दें। ठीक है भैया, और यहां पर ये तीसरी वाली कॉलम को रो को ज्यों का त्यों लिखना है, यहां पर दो बी और यहां पर माइनस का दो ए और यहां पर वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना देखो समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, यहां से देखो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस वाली रो से आर टू में से हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, तो यहां से हम फिर कर दें आर टू से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर अगर कॉमन लें तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पहले से है, एक बार और कॉमन आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसके बाद वन जीरो माइनस बी ज्यों का त्यों, यहां से जीरो यहां से वन बचेगा यहां से ए बचेगा, और ये आपको टू बी माइनस का टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना लिखोगे। ठीक है, अब हम प्रसार कर देते हैं, ज्यादा झंझट वाला काम खत्म कर देते हैं, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखो यहां प्रसार आर वन के सापेक्ष कर दें या सी वन के सापेक्ष कर दें, क्योंकि R1 में भी एक ही जगह एक एलिमेंट जीरो है और ये आपका C1 में भी एक एलिमेंट जीरो है, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। चलो R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तो यहां पर देखो ये पहले एक लिख लें और फिर इसके बाद देखो क्या करोगे, इसको और इसको यहां कैंसिल करोगे, तो ये जो आपका मैं ये आपका जो डिटरमिनेंट बचेगा उसका हम हल कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें, तो एक का तो मल्टीपल इतना ही रहेगा, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस का यहाँ निशान लगा दें और फिर इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो ए स्क्वायर माइनस का दो ए स्क्वायर, तो ये प्लस का दो ए स्क्वायर हो जाए। ठीक है भाई, इसके बाद ये तो देखो जीरो है भाई, इसको तो कुछ करना ही नहीं, फिर इसके बाद ये तीसरा एलिमेंट कितना लिखोगे, माइनस का बी लिखोगे, फिर वही काम करना है, इसको और इसको कैंसिल करोगे, इसका इसमें मल्टीपल जीरो लिखना है, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीपल दो बी लिखना है भाई। ठीक है, ये हो गया समझो काम। तो अब आपके पास वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां लिखना है और यहां पर देखो एक का मल्टीपल इतना ही लिखना है, देखो दो ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा एक ए स्क्वायर बचेगा, पहले लिखेंगे वन प्लस लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए माइनस बी का इधर अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा दो बी स्क्वायर लिख दो भाई। अब आंसर आपके पास समझो हाथ में आ गया, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखें और यहां पर इस ब्रैकेट को लिख सकते हो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो बी स्क्वायर प्लस का एक चला जाएगा माइनस का, तो एक प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। अब देखो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बन जाएगा भैया, यहां पर यही हमें आर एच एस में लाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 13वां कंप्लीट होता है। ठीक है भैया, नोट कर लो। ठीक है, चलो इसको भी नोट करने के बाद अब हमारे पास बिल्कुल हम लोग अंतिम पादान पर पहुंचने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14वां है ना, चलो इसको नोट कर लो भैया और हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, इसको रब कर दें, चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते पूरा, चलो
क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या लिखा है, ये है ए स्क्वायर प्लस वन और ये आपके पास है ए बी, फिर लिखा है सी ए। अच्छा दूसरी वाली कॉलम पर लिखा है ए बी और ये है बी स्क्वायर प्लस वन और ये आपका है सी बी और ये आपका है ए सी और ये बी सी और फिर इसके बाद सी स्क्वायर प्लस वन। चलो भाई और बराबर में आंसर देना है हमें, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देना है भैया। चलो देखो ध्यान दें भाई, इसको देखो कैसे करोगे, इसको हमें क्या करना है, इसको भी हम डेल्टा मानी एलएचएस के बराबर इसको लिख लें, ठीक है, एलएचएस को हम डेल्टा के बराबर लिख देते हैं। चलो यहां पर समझते हैं भैया कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, यहां से आप देखो, यहां से इसमें से हम ए कॉमन लें, इसमें से अगर हम बी कॉमन लें, इसमें से अगर सी कॉमन लें तो बात बन जाएगी। देखो ध्यान दें, ए बी सी हमें कॉमन मिल जाएगा, हमने आर वन से ए कॉमन लिया, आर टू से बी कॉमन लिया, आर थ्री से सी कॉमन ले लिया, तो यहां से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस एक बटे ए तो यहां मिल जाएगा, देखो इसमें ए का भाग चला जाएगा तो एक बटे ए हो जाएगा, यहां से ए कॉमन लें तो बी मिलेगा, यहां से ए कॉमन लें तो सी मिलेगा, यहां पर आ जाओ भाई, यहां बी कॉमन चला जाएगा तो ए बचेगा, यहां से बचेगा कितना बी प्लस एक बटे बी, यहां से हमें सी मिल जाएगा, यहां आ जाओ यहां सी कॉमन चला जाएगा तो ए मिलेगा, यहां सी कॉमन चला जाएगा तो बी मिलेगा, यहां सी कॉमन चला जाएगा तो मिलेगा कितना देखो भैया सी प्लस एक बटे सी मिल जाएगा, ठीक है इतना देखो। अब इसके बाद देखो यहां पर ए बी सी तो आपका ज्यों का त्यों, इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहां से हम एक काम कर देते हैं, आर टू, आर टू को रिप्लेस कर दें आर टू में से आर वन घटा के, और यहां से हम अगर आर थ्री को इसी प्रकार रिप्लेस कर दें आर थ्री माइनस आर वन से, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा देखते हैं। देखो ध्यान दें, ये आर वन पर हमने कुछ नहीं किया है तो ए प्लस एक बटे ए बी सी आपका ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद ये आपका है देखो R2, इसमें से R1 घटाना है, मतलब A में से घटाना है कितना, इसमें से हमें घटाना है A प्लस एक बटे, मतलब ये हो जाएगा माइनस का एक बटे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां क्या लिखना है, आपको लिखना है माइनस एक बटे ए लिखना है, ठीक है A में से हमने घटाया है इसको, है ना, तो माइनस एक बटे। इसी प्रकार इसमें से अगर इसको घटाओगे तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, एक बटे बी बचेगा, यहां सी में से सी घटाओगे यहां पर जीरो। इसके बाद देखो आर थ्री को भी इसी प्रकार रिप्लेस करना है, आर थ्री में से आर वन घटाना है, ये है ए, इसमें से इसको घटाना है माइनस एक बटे ए बचेगा, बी में से बी घटाना है यहां जीरो बचेगा, यहां सी प्लस एक बटे सी में से सी घटाना है तो आपको यहां एक बटे सी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान दें, इसके बाद आपको यहां से एक काम और करना है कि यहां से एक बटे ए कॉमन लेना है, यहां से एक बटे बी कॉमन लेना है, यहां से एक बटे सी कॉमन लेना है। हम क्या करेंगे, सी वन कॉमा सी टू व सी थ्री से क्रमशः एक बटे ए कॉमा एक बटे बी व एक बटे सी कॉमन लेने पर, ऐसा कॉमन ले लें तो यहां से बिल्कुल एकदम बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। देखो ध्यान दें, बराबर में ए बी सी तो पहले से लिखा है, यहां से एक बटे ए कॉमन में है, यहां से एक बटे बी कॉमन में है, यहां से एक बटे सी कॉमन में है, तो अब मिलेगा यहां कितना, देखो ध्यान दें, यहां से अगर हम एक बटे ए कॉमन लें तो यहां से देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान दें बहुत, यहां से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन मिलेगा। देखो ध्यान दें, एक बटे ए से अगर भाग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और एक बटे ए कॉमन चला जाएगा तो यहां से प्लस वन बचेगा। चलिए यहां से देखो समझो, यहां से एक बटे ए कॉमन चला जाएगा माइनस वन, यहां से एक बटे ए कॉमन चला जाएगा माइनस वन, यहां पर आ जाओ, यहां से एक बटे बी कॉमन चला जाएगा तो ये बचेगा बी स्क्वायर, ये आपको यहां वन मिलेगा, यहां पर जीरो मिलेगा, यहां से ये मिलेगा सी स्क्वायर, ये जीरो और यहां पर वन मिलेगा, ठीक है भाई इतना ठीक है। इसके बाद देखो अब हम क्या करते हैं, यहां ए बी सी से ए बी सी कैंसिल कर लेते हैं तो अब आपको यहां पर क्या मिलेगा, देखो ध्यान दें, बस इतना ही तो रह गया, इसको हल कर लेते हैं।
अगर चाहो तो आप सीधा इसको यहीं से प्रसार कर दो, काम चल जाएगा। अगर चाहो तो इसको इससे घटा दो, एक जीरो आ जाएगा, फिर काम चला लो तो ठीक है, नहीं तो सीधा हम प्रसार करते। चलो यहां लिख देते हैं आर वन के सापेक्ष, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर यहां पर प्रसार कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस वन, ये आपका ज्यों का त्यों, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वन। अब यहां पर देखो क्या बचेगा, समझना ध्यान से, अगर हम इसको और इसको दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये देखो एक, एक का मल्टीपल एक माइनस यहां पर जीरो, ठीक है भैया, इतना ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखो, फिर इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर माइनस का निशान लगाते हैं। दूसरा अवयव लें, बी स्क्वायर अवयव है यहां पर देखो, तो अब आपके पास जो ये और ये कैंसिल करोगे तो चार अवयव देखो, इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें, तो माइनस एक का एक में मल्टीपल माइनस एक लिखना है, माइनस सूत्र में होता है, और यहां पर ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद प्लस सी स्क्वायर यहां लिख दें, प्लस सी स्क्वायर यहां लिख दें, और इसके बाद देखो यहां ये पहली वाली पंक्ति तीसरा वाला कॉलम काटेंगे, बस इसका इसमें गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, और फिर इसके बाद माइनस ये फॉर्मूले में होता है, माइनस माइनस प्लस का एक लिख दें भैया, प्लस एक, ठीक है भाई, ये हो गया काम समझो खत्म। अब यहां पर ए स्क्वायर प्लस वन का एक में गुणा, ए स्क्वायर प्लस वन का एक में गुणा, इतना ही रहेगा। यहां पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहां पर प्लस सी स्क्वायर, तो देखो आपका आंसर आ गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखो आंसर आ गया, ठीक है। हमने बताया कि अगर हम यहां पर इन प्रगुणों का प्रयोग ना करें और अगर सीधा प्रसार कर दें तो अभी आंसर यही आएगा, लेकिन इसके हल करने की जो प्रोसेस है बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना, इसलिए हम सबसे पहले इन प्रगुणों का प्रयोग करते हैं और इसके बाद फिर हम प्रसार कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14वां। एकदम अंतिम प्रश्न है आपके पास ये, और इसके बाद दो आपके प्रश्न और हैं जो आपके मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन है, वो मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप कर सकते हो। यहां पर लिखा है यदि ए एक तीन गुणे तीन कोट का वर्ग अवयव है तो के ए का जो सारणिक का मान है वो कितना होगा, तीन गुणे तीन का है तो के क्यूब हो जाएगा, के क्यूब इंटू सारणिक ए, मतलब यहां पर हमें सी विकल्प सही मिलेगा, ठीक है, इसको आप कर लें। और इसके बाद यहां पर 16वां प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो लिखा हुआ है देखो कौन सा कथन सही है भैया, सारणिक एक वर्ग अवयव है, बिल्कुल नहीं है, वर्ग अवयव कोई सारणिक जो होता है वो वर्ग अवयव नहीं है, बल्कि क्या है उससे संबद्ध एक संख्या है। देखो कहीं लिखा होगा इसमें दूसरा बी विकल्प क्या लिखा है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है, और तीसरा लिखा है सारणिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक एक, हाँ ये सी विकल्प देखो भैया सही लिखा हुआ है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है, ठीक है, तो यहां पर सी विकल्प इसका सही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भैया फिनिश होती है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, यहाँ पर सारणिक का प्रयोग करके बिल्कुल एकदम आसान सी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके आगे वाले वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम से पूरी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है भैया। तो आज का ये वीडियो आपका यहीं समाप्त हम करते हैं, और उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की भैया कोई समस्या लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भैया, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।